सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवान वेलकम टू दिस सेशन वॉइस वीडियो क्लियर वेरी गुड इवनिंग एवरीवान आई थिंक वॉइस और वीडियो सबको क्लियर होनी चाहिए ठीक है बड़ा अच्छा लग रहा आज इतने दिनों बाद हाथ में वापस से पेन आ गई है वापस से पी वगैरह अपलोडेड हैं लिखने के लिए मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ आई थिंक आप लोग भी पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो गए तो सबसे पहले तो ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई कॉपी आज खरीदी और आज से सोचा है कि आज के बाद नई शुरुआत करेंगे आज से जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो पहले तो वो सारे लोग अपनी हाजिरी लगाओ अटेंडेंस फटाफट लगा दो सभी लोग और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स के इस लेक्चर का वेट मैं भी कर रहा था आप लोग भी कर रहे थे और आज जाके वो वेट खत्म हुआ है संभव तो शुरू करते हैं फिर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही बढ़िया ठीक है परफेक्ट ठीक है सेशन स्टार्ट करने से पहले आ, मैं चाहता हूं कि एक दो मिनट का मैं वेट कर लूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे होंगे मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह शायद अभी आप लोगों का ओवर हुआ होगा तो लेटेस्ट वेट फॉर वन और टू मोर मिनट्स तब तक मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को बताता हूँ कि किस वे में ये सेशंस होने वाले हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस होगी जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए है ना तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया शानदार सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि ये बताओ कि मैथमेटिक्स जो आप पढ़ने जा रहे हो है ना तो मुझे ये भी बता होनी चाहिए कि आपकी ब्रांच कौन सी है तो चैट बॉक्स में एक बार अपनी ब्रांच बता दो हालांकि मैं सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे कवर करूँगा जस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सारे ब्रांचेस वाले आए हो या नहीं या सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा दीजिए हम पढ़ने आएंगे तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि आप लोग आए या नहीं आयो बहुत ही बीढ़िया सिविल्स ए बी एस सी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चलो ठीक है समझ गया मैं यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग आएंगे या फिर सिर्फ आप मैसेज कर देते हो कि सर स्टार्ट कर दो सर तो स्टार्ट कर ही देंगे उसके बाद आपका भी आना इंपॉर्टेंट है सिविल ब्रांच से तो बताओ कर दे शुरू आज का सेशन लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, बॉक्स में एक बार जल्दी से सब लोग है सेशन, सेशन शुरू करते हैं उसके पहले आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरीज चल रही हैं जितने भी डाउट चल रहे हैं, जितने भी थॉट्स चल रहे हैं सबका मैं सिस्टमेटिकली आंसर करने की कोशिश करता हूं ठीक है चलिए शुरू कर देते हैं परफेक्ट तो देखिए हम लोग आज के सेशन में कवर क्या करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करने जा रहे हैं ये कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए जैसा कि बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस ऑल ब्रांचेस का मतलब चाहे आपकी ब्रांच ई हो इलेक्ट्रिकल हो इंस्ट्रूमेंटेशन हो मकैनिकल हो सिविल हो कंप्यूटर साइंस हो या फिर पी हो या फिर एक्सी हो जितनी भी ब्रांचेस में मैथमेटिक्स पूछा जाता है उन सारे ब्रांचेस के टॉपिक्स को मैं सिस्टमेटिकली कवर करूंगा ठीक है डिटेल में कवर करूंगा बहुत सारे बच्चों का डाउट है सर क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एब्सोल्युटली यार ये डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है जहाँ पे इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन करने की नीड नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट आज का चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर एल्जब्रा और लीनियर एल्जब्रा में जो सबसे पहला और बेसिक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेट्स ठीक है तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पे ये हेडिंग डाल लो भाई लीनियर एल्जब्रा फर्स्ट पेज पे हेडिंग डालने का अलग ही सुकून मिलता है डिटर्मिनेंट्स आप हेडिंग डाल सकते हो ठीक है अब इमीडिएटली इसके बाद में डिटर्मिनेट्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं उनको पहले क्विकली आंसर कर लेते हैं मीनवाइल बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम विशाल सोनी है मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दो बार क्लियर किया हुआ है एक बार 2014 में मेरी रैंक 98 थी और एक बार 2015 में मेरी रैंक 25 थी ठीक है आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी पी बहुत सारे पी भी मैंने क्वालिफाई किए उनमें से बहुत सारे पी के इंटरव्यू स्टोरी भी बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको इस कोर्स के साथ साथ मैं सुना दूंगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नाइन प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेटोर्ड मोर मोर देन वन लैख स्टूडेंट्स में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंक्लूडेड हैं और उसके अलावा अगर आप कभी भी अन अकेडमिक प्लस में मेरी प्रोफाइल जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि साढ़े साथ करोड़ से ज़्यादा वॉच मिनट्स पे मेरे प्रेजेंट साढ़े सात करोड़ वॉच मिनट्स वहां पे मतलब इतनी बार बच्चे मेरे लेक्चर को वहां पे देख चुके हैं पसंद करते हैं रैंक लेके आते हैं और जैसे मैंने बार बार बोला ना वही हमारा ड्रग है वही हमारा एडिक्शन है उसी से हमें क्या मिलती किक मिलती है ठीक है बाकी नॉर्मल खाना पीना तो सब लोग खाते रहते बट तो किक बहुत इंपॉर्टेंट होती लाइफ में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चे हर साल अंडर हंड्रेड रैंक लेके आते हैं मैसेज करते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के आपने इंटरव्यू वगैरह भी देखे होंगे तो इस बार भी बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करेंगे ठीक है ना ठीक है चलो उसके अलावा अगला पहले तो ये बताओ सभी लोग जान गए मुझे ठीक है या फिर कुछ और पूछना है मेरे बारे में कि सर और बता दिए कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही कि सर आपकी सैलरी कितनी है और आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है सर आपके पास कार कितनी है ये सारे क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए ठीक है ये सारे क्वेश्चन हमेशा कैसे रहने चाहिए प्राइवेट रहने चाहिए या टीचर की मर्जी पर रहने चाहिए ठीक है बहुत ही बढ़िया परफेक्ट अब क्या करते हैं एक बार सिलेबस देख लेते हैं भाई साहब ठीक है सिलेबस में अगर आप देखें तो पहला चैप्टर लीनियर ऑब्वियसली हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो लीनियर लिनियर में आपको बहुत मजा आएगा ठीक है क्योंकि लीनियर ना फ्री माइंड से पढ़ोगे फ्री माइंड से पढ़ने का मतलब क्योंकि आपने ग्यारहवीं बारहवीं में लीनियर अल्जबरा या इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो डिटरमिनट्स तक ही थोड़ा बहुत सिलेबस में रहता है उसके बाद वाली चीजें आप पढ़ते नहीं हूँ बट इसके बाद वाली जो calculus, वाले जो चैप्टर्स हैं कैलकुलस ठीक है जैसे ही कैलकुलस वाला चैप्टर स्टार्ट होगा मैं हेडिंग डालूंगा लिमिट और जैसी मैंने लिमिट वहाँ पे हेडिंग डाली ना आप तुरंत चले जाओगे कहाँ पे जहाँ से आपने बारहवीं में आई टी की प्रिपरेशन की थी कोटा कानपुर जहाँ से भी की थी और जाहिर सी बात है कि अगर सौ लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं तो नाइन्टी लोग जाते तो वहाँ पर हैं लौटते वन नाइन लोग हैं साथ में उनका बाबू भी आता है तो आपको वो सारी बातें याद आने लगेंगे अरे सर ये लिमिट टिमिट की क्या बात करो सर बड़ा दर्द हो रहा है पुराना इतिहास जान के पुरानी बातें जान के तो उस टाइम मैं आपको वापस से सावधान करूंगा कि भाई कैलकुलस स्टार्ट हो गया है जो भी तुम्हारी पुरानी यादें हैं उसको जल्दी से खत्म करो उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करना है ठीक है तो कैलकुलस में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है भाई साहब तो कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स कवर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होता है बशरते कि आप अपना इतिहास वहीं पर छोड़ के आ जाओ तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा एक बार देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स तो इसके मैक्सिमम कंसेप्ट को जैसे कैलकुलस में बेसिकली होता ही क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही तो होता है तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ लिया है ना तो वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आगे चल के वेक्टर वेरिएबल्स पे अप्लाई करना है आसान है सिंपल है बहुत इजी चैप्टर है सिमिलर तरीके से वही कैलकुलस आगे चल के आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पे इंप्लीमेंट करना है ठीक है तो ये तीन चैप्टर हम हमेशा सिंक में पढ़ेंगे देखिए मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है ये तीन चैप्टर्स हमेशा बैक टू बैक होने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैलकुलस ऑफ वेक्टर वेरिएबल पहले पढ़ लें रियल वेरिएबल बाद में पढ़ें कॉम्प्लेक्स वाला फिर कहीं लास्ट में जाके उसको फिक्स कर दें मेरे हिसाब से उसमें कभी भी सिंक बनेगा नहीं तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम इसको हमेशा सीक्वेंस में पढ़ें क्योंकि देखिए जो इस चैप्टर में आपकी लर्निंग है उसको आप यहां पर इंप्लीमेंट करिए अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे न, तो ना तो सेकेंड चैप्टर का नाम सिर्फ कैलकुलस लिख देते हैं यहां पर वैक्टर कैलकुलस लिखते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलस लिख देते हैं उसी को मैंने थोड़ा डिटेल करके आपको दे दिया कि है कैलकुलस ही है डिफरेंशियन इंटीग्रेशन ही बट एक बार रियल वेरिएबल पे लगाएंगे एक बार वेक्टर पे पे एक बार कॉम्प्लेक्स सब क्या होता है चैप्टर्स में बहुत डिटेल में देखा जाएगा ठीक है फिर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स दो हजार बाईस का आप गेट का एग्जाम उठाकर देखिए भाई साहब आपको क्लास नोट से एज इट इज इक्वेशन दिखेंगे जो जो प्रोबेबिलिटी में मैंने स्टार मार्क करवाए हुए थे एज इट इज इक्वेशन एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर साइंस वगैरह के पेपर में ठीक है एंड लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड्स और देखो मिसलिनियस में ना ये जो मिसलिनियस वाला टॉपिक है इसमें आपकी सीरीज हो गया या मिसलिनियस वाला जो टॉपिक होगा वो सप्लाई डिमांड बेसिस पे रहेगा जो आप डिमांड करोगे उसकी मैं सप्लाई करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो एक बार चैप्टर बताओ सबको क्लियर हो गए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को हाँ या ना में जल्दी से जवाब दे दो बहुत मजा आ रहा है यार पढ़ाने में ठीक है मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया बीस पच्चीस दिन से शायद मैंने पेन भी नहीं पकड़ा है ठीक है है ना देखो ब्रांच वाइज सिलेबस का ना मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि कौन सी ब्रांच में कौन सा टॉपिक नहीं है बट लीनियर एल्जेबरा सारे ब्रांचेस में तो पहले चैप्टर में तो सब लोग स्टार्ट करो ही करो है ना एक आधे टॉपिक बीच में इधर उधर मिस होते हैं उनका मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा ब्रांच वाइज सो दैट आप उसको देख पाएं अब क्योंकि यहाँ ब्रांच वाइज ब्रांच अगर टॉपिक बताने लगूंगा ना तो बड़ा मैसेज सा पूरा का पूरा सेशन हो जाएगा सो आई होप यू अंडरस्टैंड चलो बहुत ही बढ़िया शानदार अब इसके अलावा बुक्स सर कौन सी फॉलो करनी चाहिए देखिए अगर आप क्लास के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना तो मेरे हिसाब से कोई बुक्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लास नोट्स को ही अच्छी तरीके से रिवाइज़ करेंगे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है नहीं बट अगेन अगर आप मुझसे कोई एक किताब पूछोगे तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है किताब वो ये किताब है इसका पी मिल जाएगा इसको ख़रीदने की जरूरत नहीं है ठीक है आप इनका नाम डालिएगा डेनिस जी है ना और एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लिखिए एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपको इनके पी मिल जाएगी आप डाउनलोड कर लीजिए अदरवाइज़ अगर आपके कॉलेज में कुछ ऐसी बुक्स चलती हैं ठीक है थीके? जैसे बहुत सारे कॉलेज में एच के दास चलती है, है ना आ, बहुत सारे कॉलेज में आई थिंक एन पी बाली चलती है ठीक है बहुत सारे कॉलेज में एक रमन्ना करके किताब आती है वो चलती है और कोई किताब चलती है क्या आप लोग बताओ अपने कॉलेज में कौन सी किताब पढ़ते हो ठीक है ये तो मुझे कुछ कुछ ऐसे याद है यार है ना ये कुछ कुछ ऐसे याद है कि हमारे कॉलेज टाइम में ये सारी किताबें पॉपुलर होती थी और कोई किताब आप लोग पढ़ते बी एस ग्रेवाल बहुत ही बढ़िया ठीक है तो बी एस ग्रेवाल तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक किताब है ना तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ये भी अच्छी किताबें हैं ठीक है थीके? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी किताबें हैं ये सारी किताबों में आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किताबें अगर आपके पास है ठीक है बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये किताबें अगर आपके पास है तो मैथमेटिक्स का तो पता नहीं बॉडी ज़रूर आपकी बन जाएगी बस आपको क्या करना है एक हाथ में एक किताब दूसरे हाथ में दूसरी किताब सुबह से शाम तक क्या करते रहो समझ गए तो एक चीज का तो मुझे भरोसा है कि आ, पता नहीं मैथ समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे पाओ इसको पढ़ के बॉडी ज़रूर बना सकते हो क्योंकि क्यों काफ़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं ये ठीक है तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आप कभी कभार कोई टॉपिक में लगे कि यार थोड़ा और हो रही मचल रामन करना चाहिए तो देख लो अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड हाँ इसका पी डी एफ आप रख सकते हो क्योंकि इसमें ना आपको इमेजेस वगैरह बहुत कलरफुल बहुत सुंदर किताब है ये डेनिश जी सिल वाली ना ये सारी किताबें उतनी सुंदर नहीं मतलब उसमें डायग्राम आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेंगे थ्री वगैरह इसमें बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम आपको मिल जाएंगे सो दिस बुक यू कैन जनरली कीप द पी डी ओनली ठीक है ना पी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो बताओ किताब का सबको क्लियर हो गया यार जल्दी जल्दी बताते रहो फटाफट बताते रहो ठीक है भाई आप लोगों का भी सजेशन लेंगे ठीक है परफेक्ट चलो आगे बढ़ते हैं अब बहुत सारे लोगों के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन हैं ठीक है फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन हैं मैं उनके आंसर कर देता हूं जल्दी से देखिए सबसे पहली चीज हु कैन अटेंड दिस लेक्चर

कि आपने ग्यार्यारवी वार्वीं मैथमेटिक्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ा ठीक है ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बस यहाँ पे फोकस करके पढ़ना पड़ेगा अब ये मत बोलो कि सर हम यहाँ पे बगल में एक दूसरा टैब भी खोल के रखे हुए हैं बीच बीच में इधर उधर स्विच करते हैं तो भाई फिर तो नहीं समझ में आएगा ना तो यहाँ फोकस तो करना पड़ेगा चलो दूसरा सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि सर ये विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर कहाँ पर मिलेगी इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो इमीडिएटली एक काम करो आप सभी लोग एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो सबसे ऊपर एक स्पेशल क्लास का लिंक आ रहा होगा एक बार फटाफट जल्दी से वो लिंक आप लोग देखो लिंक देख के जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि हाँ सर वो लिंक दिख रहा है चैट uh, बॉक्स में लिखना है कि लिंक दिख रहा है बस ये मत लिखना दिख रहा है मुझे क्या पता क्या दिख रहा है आप लोगों को ठीक है तो लिंक दिख रहा है ऐसा करके आप लोग लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में जाइए डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सबसे ऊपर ना स्पेशल क्लास का आपको एक लिंक दिख रहा होगा दिखा लिंक दिख रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है जब आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो एक डिस्क्रिप्शन आता है वीडियो का उस पर आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको एक लिंक दिख रहा है पक्का चलो बहुत ही बढ़िया सबको लिंक दिख रहा है आपको क्या करना है बस उस लिंक पे क्लिक कर देना है जो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास अन अकेडमी का ऐप नहीं हो आज के डेट में तो अन अकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो आपको सीधा मेरे स्पेशल क्लास पे लेके जाएगा जहां पर यह क्लास खत्म होने के इमीडिएटली बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हुआ दिखूंगा आज की टाइमिंग मैंने एट पी रखी हुई है क्योंकि मुझे नहीं पता आज क्लास कितने बजे तक जाएगी क्योंकि मुझे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी मोस्ट प्रॉब्ली शायद उसकी टाइमिंग सेवन थर्टी पी एम के अप्रॉस रहनी चाहिए बट वो क्लास की इमीडिएटली

और पीडीएफ का लाइव वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ठीक है ना बट वो आठ बजे लाइव हम लोग साथ में करेंगे तो जिनको लाइव आठ बजे आना है वो आके मेरे साथ कर सकते हैं जिनको बाद में एक्सेस करना है वो बाद में एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर ये जो वीजीपीपी का सोल्यूशन होगा ये कब तक अवेलेबल रहेगा भाई ये तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी मतलब वो ऐसा नहीं कि लाइव क्लास के बाद वो गायब हो जाएगा वो हमेशा पिंट रहेगा सपोज आप 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 आज से दो महीने बाद आप किसी को रिकमेंड करते हो कि भाई सर ने वो सेशन स्टार्ट किया था वहां से आके मैथमेटिक्स कवर कर लो सर ने अच्छा पढ़ाया था तो अगर वो बच्चा भी दो महीने बाद आता है तो उसको डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्लास का लिंक दिख जाएगा वो लिंक पर क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन जाके देख सकता है चलेगा ओके ठीक है परफेक्ट तो बताओ जिनके पास ऐप नहीं होगा उनको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिनके पास है मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जा रहे होंगे तो ये बताओ सेकेंड वाली क्वेरी का सबको आंसर मिल गया बोलते जो यार जल्दी जल्दी बोलते हो थोड़ा फास्ट करना हम लोग ना ट्वेंटी सेंचुरी वाले हम लोग हैं सोशल मीडिया वाले क्विकली रिस्पॉन्स हमको चाहिए हमारे पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है पक्का चलिए परफेक्ट ठीक है उसके अलावा सर अगर क्लासेस खत्म हो गई तो हम और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें भाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको करो डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसके साथ साथ पीवाई क्यू बस प्रैक्टिस करना और कुछ करने की जरूरत नहीं सर क्या आप पी वाई क्यू प्रोवाइड कराओगे यार मैं पीवाई क्यू प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा इन द सेंस कि पीवाई क्यू की किताब आपको खरीदनी पड़ेगी बोलना सर पी वाई क्यू की किताब भी खरीद के हमको दे दो वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी ना और देखिए कोशिश ये करें कि पीवाई क्यू की हार्ड कॉपी जरूर खरीद लें ठीक है मैथमेटिक्स की पीवाई क्यू की हार्ड कॉपी आप लोग जरूर खरीदें ठीक है ओके ये देखो एक मेरा भाई कितना यार कितना अच्छा आदमी ये बोल रहा है सर ये कोर्स को ना आप पेड कर दो यार आप जैसे अगर सभी लोग होते ना कितना अच्छा होता है इस दुनिया में बताओ तो इस भाई को तो मेरा बिग सैल्यूट है मैं आपके साथ हूँ हमेशा बट यार क्या करें ये बाकी लोग जो है ना ये लोग हमारे साथ नहीं है ना तो क्या किया जाए चलो उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा टेस्ट को कंडक्ट करवाने का क्या तरीका है तो देखिए होगा क्या वैसे तो मैंने ये सोचा है कि हर फ्राइडे सॉरी हर संडे संडे आपका टेस्ट करवाऊंगा ठीक है तो संडे संडे जो टेस्ट करवाना रहेगा उसका मैं एग्जैक्ट एक अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगा है ना टेस्ट से पहले कि वो वो टेस्ट आप कैसे अटेंड कर सकते हो ऑब्वियसली वो भी फ्री होगा तो वो आप आके टेस्ट अटेंड कर सकते हो बट दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे एक पूरा अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा आपको पूरा बताना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है क्योंकि टेस्ट जो होना चाहिए वो टेस्ट जैसा भी लगना चाहिए ना कि आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो टाइमर चल रहा हो आप बाकी लोगों से कॉम्पीट कर पा रहे हो लीडर बोर्ड देख पा रहे हो तो पहले तो बताओ इस बात पे अलाइंड हो आप लोग अगर मैं एक दो दिन में इसमें सेशन लेकर आपको समझा दूँ कि टेस्ट कैसे कॉन्डक्ट करवाया जाएगा ठीक है तो ये मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कैसे आप इस टेस्ट दे सकते हैं ठीक है ना जो भी वो भाई है भाई उस, उसको तो मेरा बिग सैल्यूट है ठीक है और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में आप लोग भी उस भाई जैसे ही बने ठीक चलिए अब बताइए अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि सर मैं अनकेडमी प्लस का यूज़र हूँ क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सपोज अगर आपने सुबह और शाम वाला स्लॉट बुक कर रखा है सपोज़ आप सुबह किसी टीचर से पढ़ रहे हैं शाम को किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो अपना शेड्यूल डिस्टर्ब मत करिए क्योंकि अन प्लस पर भी मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स कंप्लीट कर करवाऊंगा ठीक है बट सपोज अगर कोई सुबह की क्लास कर रहा है या लास्ट ईयर क्लासेस कर चुका है या शाम के टाइम में फ्री है और उसे लगता है कि सर मैं ये क्लासेस कर लूँ क्या तो कर सकते हो यार कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात है नहीं ठीक है अब इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने तो क्रैश कोर्स कर लिया था क्या हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना चाहिए भाई नेचुरल सी बात है क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स होता है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है क्रैश कोर्सेज में सेवेंटी के आसपास कंसेप्ट किए जाते हैं जबकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पूरा डिस्कस किया जाएगा जैसे अगर मैं ईमानदारी से बताऊं जब मैंने क्रैश कोर्स करवाया था तो मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में रूट्स की कैलकुलेशन का बेसिक डिस्कस नहीं किया था है ना बट वो एक क्वेश्चन आपका गेट में पूछ लिया गया जबकि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज किसी ने किया होगा मुझसे या कभी पढ़ा होगा आपने तो हाँ पे मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ माइनस आई क्यूब रूट ऑफ माइनस वन कैसे निकालते में बताया। तो जो पढ़ के जाएगा ना वो तेरह में से नंबर लाने की प्रॉब्लिटी उसकी बढ़ जाएगी जो क्रैश करके जाएगा वो सात आठ नंबर ला सकता है बट ये चार पांच नंबर का डिफरेंस फिल करना जनरली मुश्किल हो जाता है अगर पेपर थोड़ा ठीक ठाक आता है तो ठीक है ना तो क्या ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आपके दिमाग में जितनी भी उमंगे तरंगे उठ रही थी सबको मैंने शांत कर दिया बोलो या ना हाँ मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पे शायद आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे और ना ही मेरी कम्युनिटी देख पा रहे होंगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यार ठीक है उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार रिक्वेस्ट रेज कर रखी है मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो हो जाना चाहिए ठीक है चलिए बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में डाल देना सेशन के बाद मैं आके आप लोगों की क्वेरीज को आंसर कर दूंगा और देखो यार आप लोगों को बताइए ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट का नाइन्टी परसेंट कॉमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद करता हूं है ना तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर पाऊँ सेशन का ड्यूरेशन दो घंटे का रहेगा ठीक है चलो

क्लास नोट्स का पीडीएफ कैसे मिलेगा ये सेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है सेशन के बाद उसके लिए सेशन के आखिरी तक रहना पड़ेगा भाई ऐसे थोड़ी शुरुआत में सारे क्वेश्चन के आंसर ले लोगे लास्ट तक तो रुकोगे ना ठीक है चलो तो मैं आप लोगों से ना प्रोबेबिलिटी का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग मुझे सोच समझ के उसका आंसर बताना ठीक है तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कितना एक्साइटेड हो चलो सबसे पहली चीज आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल देख ली ठीक है आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल देख ली तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 में इंटरव्यू तक पहुंचा 2014 में 98 रैंक है 2025 में मेरी पच्चीसवीं रैंक है उसके अलावा और सारे एग्जाम्स बहुत सारे क्वालीफाई किए पिछले आठ नौ सालों से पढ़ा रहा हूँ भगवान की दया से फीडबैक भी ठीक ठाक है बच्चे तारीफ़ करते हैं अच्छा लगता है लोगों को तो इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है कि जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ चुका होगा या तो एज ए टीचर या तो एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बोलो पक्का पक्का है ना यानी आप मानते हो कि इस बात की प्रॉबिलिटी है कि सर जो हम सोच रहे हैं वो आप सोच चुके होंगे या तो एज ए टीचर या तो एज ए स्टूडेंट मतलब जो काम आप लोग करने जा रहे हो वो मैं करके छोड़ चुका हूँ तो कहने का मतलब क्या है कि क्लास का जो फ्लो होगा उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग सुनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें देखिए किसी भी चीज़ को सीखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है लिस्निंग लिस्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग जिसने ढंग से सुनना सीख लिया उसने किसी भी चीज़ को सीखने के प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया ठीक है तो हम चाहेंगे कि जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आप बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुने मैं एक बात को कम से कम चार से पाँच बार रिपीट करूंगा छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे हर एक छोटी से छोटी बातों पे सवाल लगाने की कोशिश करेंगे और क्लोज करने की कोशिश करेंगे टॉपिक को तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करें राधा देन कि अगर इमीडिएटली हमारे दिमाग में कोई क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को हम कहीं पर नोट डाउन कर लें मैं नाइन्टी गारंटी देता हूँ क्लास खत्म होते होते तक वो क्वेरी ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी बाई द वे उसके बाद भी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फिर मैं तो हूं उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया तो अब आई थिंक हमें सेशन की शुरुआत करनी चाहिए इसी नोट पे और सबसे पहला चैप्टर हमको स्टार्ट कर देना चाहिए तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं और शुरू कर देते हैं तो बताइए सभी लोग स्टार्ट कर दिया जाए पक्का चलो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो लीनियर एलजेब्रा शुरू कर देते हैं आज की कहानी बेहतरीन बहुत ही बढ़िया ठीक है चलो तो लीनियर एल्जेबरा शुरू करते हैं अब देखिए लीनियर एल्जेब्रा में हमको पढ़ना क्या क्या है अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं देखिए लीनियर एल्जेब्रा के सिलेबस में एक्चुअली हमें स्टार्ट तो मैट्रिस से करना चाहिए है ना एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए मैट्रिस से करना चाहिए बट होता क्या है ना चाहे आप मैट्रिस पढ़ो मैट्रिसिस के बाद वाले जरा टॉपिक्स का नाम देखते हैं रैंक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन तो आप बोलोग अरे सर ये क्या 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 बात करो वो तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स या मैथमेटिक्स कभी पढ़ेंगे तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न तो रह गए रह गए सिमिलरली जो आप लीनर जब पढ़ते हो ना तो वहां पर ना डिटर्मिनेंट इसका मल्टीप्लीकेशन एडिशन जो आप समझना चाहो समझ लो बिना इसके ये चारों टॉपिक सदूरे और मुझे पता है ग्यारहवीं बारहवीं में जनरली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है डिटर्मिनेंट वगैरह तो डिटर्मिनेंट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं एट द सेम टाइम जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे ना उसका बहुत बेसिक सा पोर्शन टच करना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर उतना डिटर्मेंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से एबजॉर्व कर लिया मुझे नहीं लगता है कि आगे के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है ठीक है तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा एजेंडा है डिटर्मिनेट का हमें कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए उसके बाद फिर मैट्रिसेस पे आएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग

कुछ भी नहीं है उसमें ठीक है तो रैंक पकड़ना है ये अपने आप निपट जाएगा और ये निपट गया तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कुछ नहीं सारे लिंक्ड हैं है ना तो मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अटेंड कर रहा हूं क्या उसके पहले वाला टॉपिक आना ज़रूरी है ज़रूरी है भाई है ना जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले सीक्वेंस अगर क्लियर नहीं है तो टॉपिक्स में हमेशा कोई ना कोई

क्यों पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेट उसके पीछे क्या है? मिनट उसका करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है आपको काफी मजा आएगा इसको सीखने में ठीक है चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फिर सीधा डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है तो ये बोल रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर सपोज अगर मैं ऐसी कोई इक्वेशन लिखता हूं वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है ना ऐसा मैंने लिखा तो क्या हम सभी लोग अग्री करते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जब भी आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग एक लीनियर लाइन line वहां पर बन जाएगी बनेगी ना एक लाइन ठीक है परफेक्ट तो अगर मैं इसमें वेरिएबल्स की बात करूं तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से प्रेजेंट है आप बोलोगे सर देखिए दो तो कांस्टेंट है तीन कांस्टेंट है ये एक्स और वाई वेरिएबल है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है तो अगर मैं वेरिएबल्स की पावर देखूं तो यहां पे मुझे वन दिख रहा है यहां पर मुझे वन दिख रहा है अगर मैं चाहता तो क्या मैं यहां पर ऐसा एक नया वेरिएबल z लिख के उसकी पावर जीरो कर सकता था कर सकता था किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो करोगे तो हमेशा क्या मिलता है वन एक्सेप्ट टू नंबर्स कौन-कौन से जीरो की पावर जो जीरो होती है वो कभी भी 1 नहीं होती है सिमिलरली जो इनफाइनाइट की पावर जीरो होती है वो कभी भी 1 नहीं होती है. इन दोनों के अलावा आप कोई भी नंबर लीजिए और उसकी पावर अगर आप जीरो करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगी जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे या लिमिट्स पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा कि ये दोनों फॉर्मेट्स को जनरली हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स बोलते हैं चलेगा ना बोलते जाओ यार फटाफट सभी लोग पक्का परफेक्ट ठीक है चलो तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो सपोज एक वेरिएबल वाई था एक एक्स था एक जेड था इसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम आपको वन मिल सकती है तभी हम किसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे डन चलो अब ये बताना क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू टी फटाफट सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं हाँ या नहीं बोलते जाओ तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये देखिए एक्स की पावर वन वाई की पावर वन जेड की पावर वन सपोज अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल लगा भी देते तो उसकी पावर हम जीरो कर सकते तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम वन हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती पावर अगर उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन तो अभी भी रहेगी बट दिस विल बिकम नॉन लीनियर इन नेचर सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस ठीक है चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बताता हूँ ग्राफ एक बता देता हूँ फिर हम ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे ठीक है तो देखो एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू वन फिर लीनियर इक्वेशन है जल्दी से बोलो हाँ या ना ये x, ये x y क्या लीनियर इक्वेशन है बिल्कुल अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सर इसकी प्लॉटिंग जरा करके दिखाइए तो इसकी प्लॉटिंग में देखिए ये जो ए वाला पॉइंट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है ये ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है ना यानी एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये कट करेगा और इसको आप क्या बोलते हो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस चलेगा बोलो हाँ ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस लाइन की जब भी आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे ना एक ऐसी लाइन हमेशा बना दिया करो ठीक है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या लिख दिया करो ए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या लिख दिया करो बी ठीक है बोलो आता है ये सबको बनाना देखो मैंने इसीलिए आप लोगों तो से बोला था कि भाई फोकस यहां पे रहना चाहिए ना यहां पे फोकस रहे जिसका फोकस चैट बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन कौन क्या क्या रिप्लाई कर रहा है ना भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर रहे हो है ना फोकस पूरी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पे अगर फोकस है तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे आज की क्लास में है ना लाखों रुपए का कंसेप्ट सीख के जाओगे बिल्कुल फ्री में पक्का ठीक है तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन बना के दे दूँ तो आप ये लाइन की इक्वेशन हमेशा ड्रॉ कर लोगे कर लेंगे ना आप सभी लोग लाइन की इक्वेशन चलो अब ये बताइए जरा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है कोई सारे शादीशुदा लोग मेरी क्लास में आ गए आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कितने भाई सारे शादीशुदा हो इसी उम्र में तू तो गेट की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा आपका बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए चलो खैर मान लेते हैं कुछ लोगों की हुई है कुछ लोगों की नहीं हुई थी जो भी है खैर तो मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी की शादी होती है ना तो असल में कैसे कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसी बहाने आप दो इक्वेशंस के ने सोल्यूशन के जैसे एक इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन ये इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व तो कर ही सकते हैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे बट अगर मुझसे कल को कोई इसके सोल्यूशन का नेचर पूछना चाहे इसके नेचर पर हम क्या कॉमेंट कर सकते हैं तो इसको शादीशुदा जिंदगी से बड़ी आसानी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं आइए जरा देखते हैं कैसे देखिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है टू अभी नोट मत करना बस देखते जाना ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई इसको मैं वन का नाम दे देता हूं मैं इसको ऐसा लिख लूं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, है ना ये देखो टू था इसको उठा के मैंने वन बाई टू कर लिया ये जो वाई था इसको उठा के मैंने वन कर लिया और इसको वन कर लिया ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा हुआ भाई साहब ठीक है देखते रहना सेकेंड वाली इक्वेशन अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने लिख दी सेकेंड वाली इक्वेशन में देखना क्या लिखा हुआ था फोर एक्स प्लस सुनते जाना कहानी सुना रहा हूं आपको ये कहानी सुन लोगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा अब देखो मैं दो से इधर डिवाइड करूँ अगर तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाईल टू वन इसको मैं लिख सकता था एक्स बटा वन बाई टू एक्स बाई वन बाई टू वाई बाई वन इक्वल टू वन है ना ये फर्स्ट लाइन तो है ना भले ही आपने इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन का नाम दिया बट कहीं ना कहीं ये दोनों तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी बोलिए हा या ना तो आप बोलोगे कि हाँ सर दोनों तो सेम ही लाइन है मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है अगर मैं सम दोनों को प्लॉट करता तो क्या दोनों एग्जैक्टली exactly. ओवरलैप करते ये देखो पहली लाइन पहले बताओ तो सभी ने देख ली बोलो हां फर्स्ट लाइन देख ली क्योंकि दूसरी लाइन एक्जैक्टली इसी के ऊपर बनाऊंगा तो आपको फिर दोनों लाइन्स दिखेगी नहीं इस वजह से पहले मैं आपकी सहमति ले लेता हूँ कि क्या जो पहली लाइन है ये फर्स्ट लाइन ये आपको दिख रही है आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रही है तो मैं क्या करता हूँ पहले दूसरी लाइन को चमका देता हूँ फिर ये देखिए ये देखिए दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर बना दी ठीक है तो दिख रही है आपको चमकते हुए दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ये बिल्कुल ओवरलैप्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है अब मैं क्या करता हूँ एग्जैक्ट इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली ठीक है ये क्या एक्चुअली है देखो ठीक है तो जब होता क्या है ना जब दो लोगों की नई नई शादी होती है तो सपोज हस्बैंड है वो दिन भर काम वाम करके शाम को वापस आता है शाम को वापस आता है वो बोलता है अजी सुनती हो एक गिलास पानी देना तो जो वाइफ होती है वो सिर्फ पानी लेके नहीं आती है पानी के साथ कुछ मीठा भी रहता है मीठे के साथ चाय भी रहती है चाय के साथ दुनिया भर के स्नैक्स भी रहते हैं और पूछा जाता है कि अजी कुछ और तो नहीं दे दू आपको कहने का मतलब है जब नई नई शादी होती है ना उस टाइम पे पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ये हस्बैंड ये वाइफ इनका अगर आप देखोगे ना हर एक चीज पे राजी खुशी है चाहे इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे, पे, पे देखो हर एक जगह पे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल राजी है अगर ये हर एक जगह पे दोनों एक दूसरे से राजी है तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के थॉट प्रोसेस में दोनों के मिलन में इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं बोलो हा या ना है ना ऐसा ही होता है ठीक है यानी कि यानी कि जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर कब जब दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम है तो जब इन दोनों लाइंस को आप बनाओगे ये दोनों लाइंस हर एक एक पॉइंट पे दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हर एक एक पॉइंट पे दूसरे को टच करेंगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनेट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेंगे बोलिए डन है ये बात सभी लोग बोलेंगे भाई जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है बहुत ही शानदार बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। भाई ये भी एक सोल्यूशन ये भी, ये भी, ये भी। है। है? बशर्ते तो तो हो गई नई नई शादी वाली बात आइए देखते हैं जब हम दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट कर सकती है आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू और एक दिख रहा है वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू फोर क्या आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप बोलोगे हां सर आता है ये थी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू टू मैं यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं ये मुझे मिल जाएगी 2 minus y. कर सकते हैं करते रहो आप सभी लोग जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग सॉल्यूशन भी निकाल के बताएंगे ठीक है तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली x की x की वैल्यू नाउ हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं ठीक है पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन वाई की वैल्यू निकालिए एक्स की एक्स की यहाँ पर पुट कर दो ये हो जाएगा वाई माइनस टू बहुत ही बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कुछ भी हम लोग कुछ भी हम लोग टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं बस एक फिलोसफी बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि भाई हम करना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में उसके लिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से देखो क्या थ्री की वैल्यू एट आ जाएगी यानी कि क्या वाई की वैल्यू हमको एट बाई थ्री यहाँ पर देखने को मिली बोलो जल्दी से सभी लोग आप बोलोगे हाँ सर वाई की वैल्यू तो एट बाई थ्री आ रही और अगर वाई की वैल्यू एट बाई थ्री आ गई तो क्या हम एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कर लेते हैं टू माइनस एट बाई थ्री तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी माइनस टू बाई थ्री बोलो क्लियर यानी कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बताइए क्या इनका इनफाइनेट सॉल्यूशन आ रहा है या फिर एक मात्र सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है समझ गया आप मेरे क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूं जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये दोनों इक्वेशन के क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं या फिर एकमात्र यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है दैट टू माइनस टू बाई थ्री कॉमा एट बाई थ्री बोलिए तो आप बोलोगे सर एक ही तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है

भाई इसमें कुछ भी नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं एक फिलोसफ़ी डेवलप हो जाए एक बार फिलोसफी डेवलप हो गई ना तो चैप्टर पढ़ने में मजा बहुत आता है समझ गए चाहता तो मैं सीधे डिटरमेंट के प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देता बट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के यही फायदे होते हैं कि थॉट प्रोसेस हमारा नेक्स्ट लेवल पर बिल्डअप होता है खैर चलिए कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों लाइन्स को ड्रॉ करता Suppose, अगर मैं इन दोनों को करता तो मैं नहीं नहीं कर रहा हूं exact plotting नहीं कर रहा रहा इनकी, ठीक है? ऐसी आपको randomly शो करने की कर अच्छा, तो आप लिखने को तो की कोशिश करूं तो जो तो जो फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है पहली वाली लाइन ऊपर वाली इसको मैं ऐसा लिख सकता था y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू जो दूसरी वाली लाइन आप लोगों को यहां पर दिख रही है उसको मैं लिख सकता था वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर तो मैं ऐसा बोल सकता था क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से पहली वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव है वाई इक्ल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से दूसरी वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है ना में M क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता करता है स्लोप करता है स्लोप यानी कि एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना देते हैं एक नेगेटिव स्लोप की लाइन अगर हम चाहें तो यहां पर बना सकते थे कर सकते हैं ऐसा हम लोग ठीक है तो मैं एक रैंडम सा सबसे ऐसी आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ ग्राफ वगैरह की एक्ट प्लॉटिंग की हमें नीड ही नहीं है ठीक है तो ये देखो एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन सपोज और एक नेगेटिव स्लोप की लाइन मैं आपको शो कर देता हूँ ये लीजिए एक सपोज नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई है ना ये देखो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑप्टिव एंगल बना एक्यूट का मतलब नब्बे से कम ऑब्ट्यूस का मतलब नब्बे से ज्यादा तो इनके बीच में अगर आप नोटिस करें तो एक ही पॉइंट यहां पर इंटरसेक्शन वाला आ रहा है दैट इज -2/3, 8/3 है ना यानी कि जब भी आप दो लाइंस को करने की कोशिश करते हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी कभी-कभी बन सकती है कि उनका सिर्फ एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन करे। बोलो या ना, है ना? तो ये सिचुएशन होती है शादी के कुछ एक आधे साल बाद ठीक है ये हस्बैंड ये वाइफ फिर से वही ऑफिस से आता है वही हस्बैंड है वही वाइफ है आके वापस बोलता है अजी सुनती हो एक ग्लास पानी देना तो वो एक ग्लास पानी का लाके उसको दे देती ना उसके साथ में मीठा होता है ना उसके साथ में चाय होती है ना उसके साथ में कोई स्नैक्स होते हैं कुछ नहीं होता है ठीक है और वो पानी भी अगर ठंड का मौसम है तो ठंडा ही रहता है और अगर गर्मी का मौसम है तो गर्म ही रहता है ठीक है पानी बस मिल जाता है कि भाई ये लो डन है ये एक साल बाद की सिचुएशन है अब आप लोग शादीशुदा शुदा हुई बहुत सारे लोग तो रिलेट कर ही पा रहे हो इन सब चीज़ों से ठीक परफेक्ट चलो आगे बढ़ते हैं अब एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूँ पूछता हूं उसके बाद कंक्लूड करते हैं चीजों को ठीक है, चीजों को कंक्लूड करते फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करना चलो इसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन इसको आप लिख लो एक्स बाई वन बाई टू प्लस वाई बाई वन इक्वल टू वन ठीक है दूसरी वाली लाइन को देखो दूसरी वाली लाइन में क्या करता हूँ तीन को मैं इधर लेके आता हूँ ठीक है तो क्या मैं इसको लिख सकता था टू एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू वन इसको मैं ऐसा लिख दूँ x बाई थ्री बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू वन कोई मुझे बता सकता है ये दोनों लाइंस आपस में कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है एनी वन यहाँ पर देखो ये बोल रहा है 2x एक्स प्लस वाई के बराबर होना चाहिए ये बोल रहा 2x टू एक्स प्लस के बराबर होना चाहिए ये आपका y हो गया ये आपका x हो गया यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो वन बाई टू और वन है है ना ये इंटरसेप्ट अगर आप नोटिस करें ना तो ये वन बाई टू और वन है देख रहे हो यहाँ पर है वन बाई टू और यहाँ पर है वन तो क्लियर है पक्का

दो का तो जब भी दो लाइंस के स्लो बराबर होते थ्री तो बोलो। बोलो हाँ तो हो कर लो ठीक है अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा सुनिए और बताइए सिंपल सा क्वेश्चन सुनिए और बताइए ये दो जो लाइन्स थी ये जो दो लीनियर आप मुझे बता सकते हैं क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है मतलब एक्स और वाई की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेट कर रही है जरा सोच समझ के बताना सभी लोग है ना स्लोप में लिख देता हूं दोनों का माइनस टू माइनस टू है बोलो आप बोलोगे नहीं सर कोई x और y की ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो अगर x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या यह बोलना सेफ रहेगा कि इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना जब भी हम बोलते हैं कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऑब्वियसली उसमें हमेशा फाइनाइट सोल्यूशन की बात होती है है ना हमेशा फाइनाइट सोल्यूशन की बात होती है बोलिए तो क्या इन दोनों लाइन्स का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा भाई अगर ये इस पर ओवरलैप हो रहा होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक सिंगल जगह कट कर रहा होता तो एक यूनिक सॉल्यूशन। ये तो कहीं भी नहीं कट कर रहे हैं। शायद शायद इनफाइनाइट पे पे जाके एक दूसरे को टच कर कर पाए वो शायद वाली बात है है बट किसी फाइनाइट वैल्यू तो नहीं नहीं कट कर रहे है ना अब ब्रेकअप वाली नहीं अब अब ये सिचुएशन आती है शादी के चार पांच साल बाद किसी किसी में थोड़ा जल्दी आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कि कैसा जोड़ा बना हुआ है वही हस्बैंड वही वाइफ वापस से आता ऑफिस से बोलता है एक ग्लास पानी दे दो और उधर से आवाज आती है तुम खुद क्यों नहीं ले लेते हो तो यह सिचुएशन आ जाती है जब दो लाइंस के बीच में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है समझ गया मेरी बात को तो समराइज करें तो उधर से आवाज आती है कि तुम खुद क्यों नहीं ले लेते हो? हो सके तो मुझे भी दे दो और मेरे लिए भी चाय बना दो और हाँ नाश्ते में भी कुछ देख लेना तो भाई साहब समय समय की बात है ठीक है वक्त वक्त की बात है इंसान वही रहते हैं ये देखो कुछ लोग बोल रहे हैं डाइवोर्स ही करवा दो सर दोनों का अरे भाई रहने दो जिंदा दो, दो दोनों को ठीक है दो लोग साथ में प्यार ना करते हुए भी रह सकते हैं ओके कुछ लोग पूछ रहे हैं सर अभी तक आप कौन से स्टेज पे पहुंचे हो मैं यार अभी इसी पे हूँ ठीक है क्योंकि मेरी वाइफ भी लेक्चर देख रही होगी तो जाहिर सी बात है मुझे आपके सामने बोलना ही पड़ेगा कि मैं मैं इसी वाले पे okay? चलो, चलो, तो तो अब एक बार करें, जल्दी से से बोलो बॉक्स में में सभी लोग करिए, सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, okay? तो आपको बताता हूं, करना क्या है आप आप सुनिए मेरी बात को, फिर मैं सवाल पूछूंगा ओके okay? तो आप उस क्वेश्चन का शायद इस लेक्चर से पहले अगर मैं आपसे पूछता तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती कि ठीक है सर दो लाइन्स के क्वेश्चन आप हमें दे दो हम सोल्व कर लेंगे उसका एक सोल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे है ना बट अब हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर हम दो लाइन्स को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन है मतलब दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप कर जाएं ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें यानि कि वहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन की ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए दोनों का स्लोप सेम हो जाए तो उन केसेस में कभी भी एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना यानी मोटा मोटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो इक्वेशन है ना तो उनको सिस्टम बोल दिया सिस्टम सिस्टम ऑफ ऑफ को जब आप सॉल्व करते हैं तो या तो या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा और जब एग्जिस्ट करेगा तो हो सकता है कि यूनिक एग्जिस्ट करे हो सकता है इनफाइनाइट एग्जिस्ट करे तो क्या ये फ्लो चार्ट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक से ज्यादा इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा और अगर करेगा तो हो सकता है यूनिक करे, हो सकता है इनफाइनेट सॉल्यूशंस कर जाए वो तो डिपेंड करेगा कि भाई वो एक जगह पे इंटरसेट कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए बोलो ठीक है ठीक है।, है तो जरा एक बार ये फ्लोचार्ट देखना क्या मैंने यहां पर सेम चीज बताने की कोशिश की आप लोगों को देखो इफ एन इक्वेशन इज बींग सोल्ड है ना अगर हम लोग इन इक्वेश को आपस में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या होगा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं नो फाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कोई डाउट वाली बात ही नहीं जब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो बोल देते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है ठीक है ये सारे नाम धीरे धीरे हमको याद हो जाएंगे आज की क्लास में याद करने की जरूरत नहीं सुन लो भूल जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है थीके? जब भी दो लाइन्स के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं थीके? तो वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं अरे यार कंसिस्टेंट होते हैं ठीक है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं ठीक है बाकी इसके बहुत सारे नाम होते हैं आगे चल के वो नाम वगैरह आपको याद दिलाऊंगा ठीक है बट मोटा मोटा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता और अगर आया सोल्यूशन तो फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है ठीक है ना ओके okay, एवरी यहां तक सबको बात क्लियर है आगे बढ़े डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए हाँ नोट्स मिल जाएंगे भाई ठीक है तो ज्यादा ध्यान समझने पे रखो रनिंग नोट्स लेते रहो ना मैंने आपको समझाया था क्लास के साथ साथ रनिंग नोट्स एक लेते रहिए ये प्रॉपर तरीके से मेरी राइटिंग में लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा टेंशन मत लो ठीक परफेक्ट चलिए अब देखिए लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन हमको क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं ठीक है लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होगी वन अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई हमारे पास सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन है सिस्टम का समझ ही गए एक से ज़्यादा इक्वेशन आ गए तो उसको उसने सिस्टम बोलने की कोशिश कर दी देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू डी वन डी वन के बगल में w की पावर में जीरो भी लिख सकता था तो एक लेने इक्वेशन ये दूसरी ये तीसरी ये अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये तीन लीनियर इक्वेश को सॉल्व करिए अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस बढ़ाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फोकस बढ़ाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये तीन लीनियर इक्वेश को आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए तो आंसर बताने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये तीन इक्वेशन हैं इन तीन इक्वेश को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करें और ना एग्जिस्ट करें अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनफानेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब x की y की z की y z एक सिंगल वैल्यू होगी जो इन तीनों इक्वेशंस में डालने पे इक्वल टू करवा देगी यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब यह है कि x, y और z की एक ऐसी सिंगल वैल्यू होगी जो इन तीनों इक्वेशंस में रखने पे एल एच एस और आर एच एस को बराबर सिद्ध करेगी यानी कि लाइन वाइज अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो शायद तीनों जो लाइन्स होंगी वो एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही होंगी एब्सोल्युटली तो लाइन वाइज भी हमको दिमाग में विजुलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ठीक है लाइन के फॉर्म में ऐसे चल रही है हमें प्लॉट नहीं करनी इनमें लाइंस प्लॉट नहीं करनी दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो यानी कि जब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो तीनों आपस में ओवरलैप्ड हो और अगर तीनों आपस में ओवरलैप्ड होंगी तो भाई साहब उस केस में एक्स वाई जेड की हर एक पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो इसका सोल्यूशन बन जाएगी तो उस केस में मैं ऐसा बोल सकता था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं इनके इन्फाइन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे बोलिए हाँ या नहीं अभी आपने सॉल्व किया नहीं है कुछ नहीं किया आपने आप सोच रहे हो खाली बैठे बैठे कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं तीसरा थॉट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों पैरल हो जाए और अगर तीनों बाई द वे लाइन्स पैरल हो गए प्लॉटिंग करने के बाद तो उस केस में तो एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश्स के हमेशा तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं जब भी आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे या तो सॉल्यूशन यूनिक आएगा या तो इनफाइनेट आएंगे या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अब जरा सोचने की कोशिश करिए जब दो वेरिएबल की इक्वेशन थी तो उसको आपने सॉल्व भी कर लिया उसको आपने प्लॉटिंग भी कर लिया और हर तरीके से यह साबित करने की कोशिश की इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाए एक्स वाई के साथ साथ एक जेड डाल दिया तो यहां पर एक तो प्लॉट करने से पहले भी आपका जी घबरा रहा है डर लग रहा है कि यार इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे मैं कहता हूं चलो प्लॉटिंग को हटा भी दे अगर इसको सॉल्व भी करना हो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन तो उतना आसान तो नहीं है ना दो वेरिएबल जैसा कि एक्स की वैल्यू उठाई वाई की जगह पे पुट कर ली या वाई की वैल्यू उठाइस की जगह पुट कर ली क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो बोलिए जरा क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो कि सर वेरिएबल बढ़ने से थॉट प्रोसेस तो सेम है कि तीन ही टाइप के सोल्यूशन आएंगे बट प्लॉट करके सॉल्व करना एट द सेम टाइम सपोज अगर हम वेरिएबल एलिमिनेशन से भी सॉल्व करते दोनों ही चीजें डिफिकल्ट है सर उतनी आसान नहीं है डिफिकल्ट है दोनों चीजें उतनी सिंपल नहीं है डन है ये बात है ना सोचो जरा इस जल्दी जल्दी सोचते रहो इस चीज को क्विकली सभी लोग बहुत ही लॉजिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही लॉजिकल सी चीज मैं बता रहा हूं यानी कि अगर हम लोग सपोज एक रैंडम सा डिस्कशन यहां पर करें भी तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए अगर हम तो, सोल्यूशन की चर्चा करें तो किसकी चर्चा करें भाई साहब सोल्यूशन की तो अगर हम सोल्यूशन की चर्चा करें तो मैं बना देता हूँ फ्लो चार्ट ठीक है अब मैं लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात आपको भी लिखना चाहिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट दो ही चीजें हो सकती ठीक है अब एग्जिस्ट की पॉसिबिलिटी को ग्राफिकली मैं शो करने की कोशिश करता हूँ तीन लाइन्स हैं तो तीनों को अलग अलग कलर से शो करने की कोशिश मैं आपके लिए करता हूँ ठीक है ना ये देखो ठीक है आप मुझे बताना इसको मैं क्या बोलूं ये तीन लाइन्स थी ठीक है आप इन्हीं लाइंस को मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट करके बना दूंगा एक्चुअल में वो ओवरलैप ही रहेगा ताकि आपको दिख जाए ठीक है तो थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया है समझाने के लिए आपको ये लो ये तीनों ओवर लैपिंग है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवर लैपिंग ठीक है और एक तीसरी लाइन ये बना रहा हूँ तीसरा तीनों सेम कलर से हो गए कलर चेंज कर लेते हैं ये लो अब यहां से ना एक मैजिक क्रिएट होगा और वो मैजिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा करेक्ट तो अब बताना सॉल्यूशन वाले में क्या होगा आप बोलोगे सर इधर यूनिक सॉल्यूशन इधर तो सर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा एंड इधर के केस में सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे समझे मेरी बात को यानी कि जब भी हम तीन लाइंस को सॉल्व करेंगे ना तो ये वो पॉसिबल आंसर है जो हमें मिल सकते थे यूनिक सॉल्यूशन तीनों ने एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तीनों आपस में ओवरलैप हुए इंफिनिट सॉल्यूशन तीनों पैरेलल हो गए तो इस केस में एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा बोलिए है ना क्या ये बात सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है जल्दी बोलो फटाफट यार आगे बताऊंगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं सब कुछ बताऊंगा अभी तो एक बेसिक सा डिस्कशन कर रहे हैं ना पहली क्लास है थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को सुन लेते हैं मैंने बोला ना याद मत करो कुछ भूल जाओ सब कोई दिक्कत नहीं सब मैं याद करवा दूंगा ठीक है तो अब देखो क्या हुआ अब इसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को ये समझ में आने लगा अब यहां से ना थोड़ा सा मैं चाहूंगा फोकस अपना और बढ़ा लो बस ऑलमोस्ट हम लोग अपने डिस्कशन को क्लोज करने ही वाले हैं ठीक है ये देखिए पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और ये थी आपकी तीसरी इक्वेशन ठीक है तो जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार जैसे ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए लाइंस को सॉल्व करना उनके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना एट द सेम टाइम उनके सॉल्यूशंस के नेचर को बताना है ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है तो लोगों ने क्या किया लोगों ने बोला कि जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिखे आप इसको एक मैट्रिक्स का रूप दे दीजिए देखिए मैं इसको मैट्रिक्स का रूप कैसे दे रहा हूँ समझिएगा इसको ध्यान से ए वन बी वन को मैं एक रो में लिख देता हूँ ए वन बी वन सी वन को मैंने रो में लिख दिया ए टू बी टू सी टू को भी मैं रो में लिख देता एक्स वाई जेड को और बराबर कर देता हूँ इसको इक्वल टू तो एक और कॉलम डी वन डी टू डी थ्री देखिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं सुनते जाइएगा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो क्या यह भी तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या ये भी तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बोलिए हाँ या नहीं कैसे पता चला देखो इतना थोड़ा बहुत आइडिया तो सबको होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जरा देखिए यहां पर आप इस रो को इससे मल्टीप्लाई करिए और इसके बराबर कर दीजिए ए वन एक्स ड बराबर डी टू सिमिलरली आप क्या करिए इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड बराबर डी थ्री क्या हम सभी लोग इस कॉमन कंक्लूजन पे खड़े हुए हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी दिस इज एज गुड एज जो यहां पर लिखी गई है सुनते रहना बहुत ध्यान से मैंने बोला ना अगला पांच मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फाइव मिनट्स वहां से सारी की सारी जो सिस्टमैटिकनेस है वो जनरेट होगी ठीक है यस yes, एब्सोल्युटली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहां पर लिख देते हैं तो लोगों ने क्या किया जो साइंटिस्ट लोग थे ये मेरा काम नहीं है उन लोगों ने रिसर्च की होगी बहुत सारे एनालिसिस की होगी बहुत कुछ किया तो उन्होंने ये बोला कि अगर सपोज हम क्या करें ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ना इसकी अगर हम रैंक कैलकुलेट कर लें अगर इसकी हम रैंक कैलकुलेट कर लें तो हम रैंक की मदद से बता सकते हैं सिर्फ रैंक पता चल जाए हम बता सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा और करेगा तो यूनिक आएगा या इन्फाइनट आएगा अब बताओ इज इट नॉट लेस देन अ मैजिक सोच के देखिए क्या ये एक जादू नहीं है उसने क्या बोला कि भाई सॉल्व वाल मत करो छोड़ो उठाओ मैट्रिक्स में डालो और एक रैंक नाम की कोई चीज़ होती है वाली रैंक नहीं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ठीक है दूसरी रैंक रैंक नाम की कोई चीज होती है वो निकाल लो रैंक अगर आपने निकाला तो आप यहीं भी बैठे बैठे बता सकते हो कि भाई इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जरा सोच के देखो एक बार जिसने भी बनाया होगा तो उसको तो यार बिग सल्यूट होना ही चाहिए उसने रिलेट कर दिया कितना आसान कर दिया उसने बोला कुछ मत करो मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसको करने की कोशिश करो तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर ये रैंक क्या होता है अब देखिए रैंक की कैलकुलेशन तभी आप समझ पाओगे जो आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होगी है ना तो आप सोचोगे सर मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स आप तभी समझ पाओगे जो आपको डिटर्मिनेंट की नॉलेज होगी अब देखो क्या पूरा का पूरा लूप अपना कंप्लीट हुआ कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं हम एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं और अगर सॉल्व ना भी कर पाए एटलीस्ट उसके सॉल्यूशन का नेचर बताना चाहते हैं उसके सॉल्यूशन का नेचर बताना चाहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट करेगा इनफाइनाइट करेगा या फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना तो दो तरीके हमारे पास आज की डेट में है या तो हम प्रॉपर उसकी प्लॉटिंग करके बताएं प्लॉट कर लें उसको फिर बताएं या सॉल्व करके बताएं और उसके अलावा एक दूसरा तरीका दिया गया रैंक की कैलकुलेशन करने का कि आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उठा के डालिए मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के रैंक निकालिए वो रैंक आपको खुद ब खुद सब निकाल के बता देगा तो रैंक कैसे सीखोगे रैंक सीखने के लिए भाई साहब आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए मैट्रिक्स अगर आप सीख भी गए तो मैट्रिक्स को कैसे अच्छे से समझ पाओगे जब डिटर्मिनेट की नॉलेज होगी तो यहां पर आके पूरा का पूरा लूप क्लोज होता है डिटर्मिनेट हम क्यों पढ़ रहे हैं ताकि मैट्रिक्स समझ पाए मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं ताकि रैंक कैलकुलेशन अच्छे से सीख पाए रैंक की कैलकुलेशन क्यों अच्छे से सीखना चाहते हो क्योंकि आगे चल के फाइनली हमें क्या करना है फाइनली हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है और उनके सॉल्यूशन का नेचर भी बताना है बताइए क्या यहां तक कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोगों को ठीक है तो अभी ये सब टर्म्स देख के घबराना नहीं है रैंक ये वो ठीक है ये अभी सीखेंगे यही तो पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में है ना ठीक है तो पहली लाइन पढ़ो और अपनी सहमति जताओ पहली वाली लाइन से कि बताओ सहमत हैं बोलो क्या बोल रहा है एज द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीजेस मैनुअल एंड ग्राफिकल कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट भाई अभी तो तीन ही वेरिएबल की बात की है ना सपोज मैं सौ इक्वेशन सौ वेरिएबल दे दूं तब क्या करोगे

हाँ अब यही देखो ये सारा का सारा फ्लो उसने लिख दिया जल्दी से एक एक लाइन इसको पढ़ लेते हैं फिर आते हैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह पे अब देखो फिलोसफी डेवलप हो गई ना मज़ा आएगा पढ़ने में अब आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे उसकी नीड होगी तो एक बार ये पता चल जाए ना तो सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है बट तब भी थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो ठीक है देखिए क्या बोल रहा है टू स्टडी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर एल्जेब्रा इज़ यूज बिल्कुल सही बात है फिर बोल रहा है

जल्दी से बोलो सभी लोग क्लियर दिलो दिमाग में हर एक जगह पे ये पॉइंट अब क्लियर होना चाहिए ठीक है आपको इस लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी को जाके समझा सकते हो उसको बता सकते हो कि भाई हम कर क्यों रहे हैं ठीक है थीके? और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी और को सिखा दो ठीक है सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी और को सिखा दो जाके क्लियर चलो तो आप शुरू किया जाए डिटर्मिनेंट आ जाओ

है ना हमेशा जो इसका ऑर्डर होता है वो आर क्रॉस सी होता है ठीक है से अब बहुत सारी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या जो भी आप लोग ठीक समझो ठीक है अभी बहुत सारे क्रिएटिव शॉर्टकट्स कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर डिफाइन करते हो ना एम क्रॉस एन यानी कि रोज क्रॉस कॉलम्स के फॉर्म में उनको डिफाइन किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर सपोज मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं ठीक है वन टू थ्री टू वन जीरो और अगर मैं जानना चाहूं कि यार इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है कोई मुझे बता सकता है इसका ऑर्डर कितना है तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे डिफाइन होगा ज़रा देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज आप लोगों को दिख रहे हैं देखिए तो आप बोलोगे सर एक रो ये दिख रही है एक रो ये दिख रही है दो रोज सभी को दिख रही है तो यहां पर आप क्या कर लीजिए टू कर सकते हैं कितने कॉलम्स यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिए तो आप बोलोगे सर यहां पर तो तीन कॉलम्स दिख रहे हैं ये पहला ये दूसरा ये तीसरा तो इसका ऑर्डर जनरली क्या हो जाएगा वी कैन राइट इट एज टू क्रॉस भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना वो हमेशा आर क्रॉस सी के फॉर्म में लिखा जाता है चलिए एक मैट्रिक्स में आपको और देता हूँ जरा आप लोग एक बार क्विकली उसका भी ऑर्डर निकाल के बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए वन टू थ्री वन 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 जीरो

कि सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है एम क्रॉस एन टाइप का ठीक है एम क्रॉस एन टाइप का सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है और मान लेते हैं कि एम की वैल्यू एन के बराबर नहीं है मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिसेस को हमेशा क्या बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हो इसको आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है और ऐसी मैट्रिसेस जहां पर ये एम और एन आपस में बराबर होते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में बराबर होते हैं इनको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा इस बात का याद रखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ये बात आपको आज के बाद हमेशा याद रहेगी बोलो याद रखोगे इस बात को हमेशा बिल्कुल तो अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स और जब भी डिटर्मिनेंट की बात होगी वो स्पेसिफिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, है ना यानी कि हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स होने चाहिए बराबर होने चाहिए ठीक है ठीक है ये सिंपल सी चीज है आई थिंक याद है कि मैट्रिक्स में वापस से एक बार इसको रिव्यू करेंगे ठीक है तो देखिए डिटर्मिनेट में जो पहला वर्ड लिखा गया है क्या हम सब लोग इस पर अलाइंड है एवरी डिटर्मिनेंट हैज टू बी स्क्वायर इन नेचर बिल्कुल सही बात है अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कैलकुलेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट का नेचर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही होने चाहिए अनइक्वल नहीं हो सकते वो किसी भी कीमत पे जैसे कि अगर मैं आपसे पूछू कि यहां पर हमको एक डिटर एक मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है टू थ्री थ्री वन ऐसा दिया हुआ है ठीक है और मैं आपसे बोलता हूं कि यार इस मैट्रिक्स का ना जरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा तो मैं सिंबल आपको बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट के लिए एक मॉड जैसा सिंबल यूज कर लेते हो है ना इसके लिए देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे यहाँ पे मॉड लगा लो यहाँ पर भी ऐसा मॉड लिख लेंगे और ये हो जाएगा टू थ्री थ्री वन है ना अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है और ये उसके डिटर्मिनेंट का नोटेशन है यहां पर एक को मॉडल से रिप्लेस कर लिया और यहां पर भी आप देखिए हमने ऐसे लिख दिया अगर कोई ऑर्डर की बात करता है तो हम बता सकते हैं कि तो है है? नोटेशन में क्लैरिटी आप सभी लोगों को एवरी कैलकुलेशन बता रहा हूं जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता है उनको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ ठीक है चलो एक मैट्रिक्स में यहां पर आपको देता हूँ ये लो टू वन जीरो वन न माइनस वन ठीक है अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसके जरा डिटर्मिनेंट का नोटेशन लिखो फटाफट इसके डिटरमेंट का नोटेशन लिखो जितने भी लोगों का हो जाएगा डन करना ठीक है बस नोटेशन वाइज जल्दी से लिख के बताइए इसका तो आपने दिया दे, का ठीक है। इसका जरा डिटर्मेंट का नोटेशन लिख के बताएंगे क्या आएगा जिनका हो जाएगा वो बोलेंगे डन हो गया ठीक है तो मैं इसके का नोटेशन लिख रहा हूं आप मुझे बताना मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं इसमें करना ही क्या है देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ये जो ब्रैकेट था इसको मॉड से रिप्लेस कर लिया और इसको लिख दिया टू वन जीरो वन वन माइनस वन कितने लोगों ने ऐसा ही किया जल्दी बताइए कितने लोगों ने सेम टू तो सेम ऐसा करने की कोशिश की ठीक है तो जितने लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की है या ऐसा लिख लिया है यहाँ पर इमीडिएटली आप क्या करने की कोशिश करेंगे आप इमीडिएटली यहाँ पर ऐसे लगाएंगे क्रॉस यहाँ पर लिखेंगे ब्लेंडर और उसके बाद हमेशा ये देखिए कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था इसमें कितनी रोज है एक दो तीन कितने कॉलम्स हैं एक दो थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट थे तो यहाँ पर आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट इज़ इन वैलिड हमेशा याद रखिए ट किसका कैलकुलेट किया जाता है स्क्वायर का अगर मैट्रिक स्क्वायर नहीं है तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट फेल हो जाता है डिटर्मिनेट इनवैलिड होता है नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई मैं तभी कैलकुलेट हूँ जब आपके मैट्रिक स्क्वायर होगी जबरदस्ती कैसे कैलकुलेट कर लोगे यार ठीक है बहुत सारे लोगों ने डंडन लिख भी दिया तो आप लोग काटिए अपनी कॉपी में याद रखिएगा अगर मैट्रिक स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट इनवैलिड नहीं होगा यानी कि अगर हम लोग आगे का जितना भी डिस्कशन करने जा रहे हैं वहां पर बाई डिफॉल्ट सारी की सारी मैट्रिक स्क्वायर है उनके ही डिटर्मेंट की हम लोग चर्चा करने जा रहे चलेगा बोलिए एवरी वन ठीक है ना मेरे ख्याल से तो ठीक है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए परफेक्ट चलो अब क्या करते हैं अब मैं आपको ना बहुत सारे मेथड्स सिखाता हूं डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के सिर्फ एक मेथड नहीं बहुत सारे मेथड्स हम लोग सीखते हैं डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन के तो रेडी हो सभी लोग ठीक है पानी वानी पी लो एक घंटा हो गया क्या भाई साहब एक घंटा हो गया ना हर एक घंटे पे हमें क्या करनी है दो चीजें करनी है सबसे पहली चीज तो डी ब्रीथ ठीक है और अगर डेली एनसीआर में हो तो मत करना निपट जाओगे मैं निपट चुका हूं एक बार और पानी पी लेना ठीक है सिर्फ पानी पीना चलो तो सर वीकेंड आ रहा है कल तो पानी आप क्यों बोल रहे हो भाई मैं तो पानी बोलूंगा बाकी तुम्हारी मर्जी चले ओके ओके भाई साहब चलो ठीक है अब मैं क्या करता हूं ना? आपको डिटर्मिनेट कैलकुलेट करना सिखाता हूं अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को बहुत सारी चीजें यहां पे हम लोग सीखेंगे जो एक्चुअल में क्वेश्चंस में कन्वर्ट होगी ठीक है देखिए सबसे पहले हेडिंग देखो हेडिंग Heading में क्या बोल रहा है कि हम सिखाना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसमें सबसे पहला टू क्रॉस टू के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को कभी कभार डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है समझे Determint को कभी-कभार किससे डिनोट किया जाता है डेल्टा से डिनोट किया जाता है अब सपोज अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है इसका डिटरमेंट कैलकुलेट करना है तो देखो क्या करना होता है इसमें सबसे पहले आप देखिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर आप ये, ये ये ट्रिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ टू क्रॉस टू के लिए लगती है ठीक है ना तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप यहाँ पर पहला एलिमेंट आप देख लो कौन सा प्रेजेंट है उस पहले एलिमेंट के इमीडिएटली डायगोनल में चले जाओ ठीक है फर्स्ट एलिमेंट आपने उठाया इसके डायगोनल में चले गए इन दोनों का आपस में गुड़ा कर लो आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लो तो चार इंटू वन बताओ कितना हो जाएगा? चार इंटू वन ठीक है फिर क्या करना है बीच में माइनस का साइन लगाना है दूसरे जो एलिमेंट्स बचे हो ना पहला एलिमेंट पकड़ के प्रिंसिपल डायगोनल पे गए उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हुए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमने तीन इंटू दो को मल्टीप्लाई कर दिया समझ गए सभी लोग ठीक है ना तो मैंने क्या करा वन इंटू फोर को मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन लगाया तीन और दो को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है हैं यहां से अगर आप देखें तो आंसर आपको मिल रहा होगा चार माइनस छ माइनस दो साथ के साथ एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जब हमने टू क्रॉस टू के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने दिख रहे हैं कोई बताएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे दिख रहे हैं तो आप बोलोगे सर यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स एक टर्म ये दिख रहा है और एक टर्म ये दिख रहा है दिख रहा है ना आपको दिस टर्म एज होल एंड दिस टर्म तो आप बोलोगे सर दो टर्म्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं क्लियर दो ही टर्म तो दिख रहे हैं ना ये देखो एक टर्म ही हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया दो टर्म यहाँ पे साफ़ साफ दिख रहे हैं ठीक है तो टू क्रॉस टू में किसी को दिक्कत तो नहीं है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं चलिए मैं आपको थ्री क्रॉस थ्री का सिखाता हूं थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है फिर इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताएंगे ठीक है इसका शॉर्टकट भी आपको बताते हैं इसमें देखो जब भी आपको थ्री डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो किसी रो या किसी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंशन करना होता है किसी रो या किसी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंशन करना होता है सपोज मैं यहां पर रो के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करना चाहता हूं ये देखिए मैंने फर्स्ट वाली रो को चूज किया फर्स्ट वाली रो को मैंने चूज किया इसको खत्म हो जाने दो फिर मैं समझाता हूँ बंद हो जाओ भाई हो गया ये देखो फर्स्ट वाली रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट्स को लूंगा पहले इस वन को लूंगा फिर इस वन को लूंगा फिर इस फोर को लूंगा इस तरीके से मैं लूंगा तो मैं क्या करूंगा कि जब मैंने इस वन को लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करेस्पोंडिंग जो कॉलम है मैं उसको मैं निपटा दूंगा इस वन को लिया इसके करेस्पोंडिंग रो और इसके करस्पोंडिंग वाले कॉलम को मैंने हटा दिया बाकी यहाँ पर देखो आपको जो ये दिख रहा है ना टू क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स इसका ही मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो देखो मैं क्या लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ वन वन इंटू ठीक है वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें बताइए सभी लोग फटाफट ठीक हो ठीक है देखो तो इस वन को लिया था इसके करेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को मैंने हटा दिया यहां से ये लीजिए ठीक है दिस इंटू दिस आप क्या कर है? On the second place, रहे हैं ऑन द सेकंड प्लेस पहले इसको खत्म हो रहा तो फिर बताता हूं ऑन द सेकंड प्लेस अब इस वाले वन को चूज करिए जो आपने इस वन को चूज किया तो इसके करेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को आप हटा दीजिए इसके करेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को अगर आप हटा रहे हो तो देखो मल्टीप्लीकेशन इस बार किसका होगा टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन ठीक है तो मैंने यहां पर लिखा मैंने यहां पर लिखा ये ब्रैकेट क्लोज करता हूं देखिए ये वन था तो इस वन को आप बाहर ही लिख लो मल्टीप्लीकेशन देखो किसका होगा टू इंटू थ्री माइनस का बीच में साइन वन इंटू माइनस वन ठीक है मुझे यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है मैं एक एक्चुअल एक चीज आपको बताना चाहता हूं ठीक है ना ये बात सबको यहां तक समझ में आ गई एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग बहुत सारे लोगों को आता भी होगा पहले से जिनको आता है अच्छी बात है जिनको नहीं आता है वो देख लो अच्छी तरीके से ठीक है चलो अब मैं इस वाले चार पे पहुंचा चार पे पहुंचने के बाद मैंने देखो ये रो और ये कॉलम हटा दिया है ना इसके रो इसके कॉलम को हटा दिया मल्टीप्लीकेशन किसका होगा टू इंटू वन वन इंटू माइनस वन ठीक है अब यहां पे देखो बाहर चार भी लिखना पड़ेगा ओके तो मैंने चार यहां पर लिखा अंदर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा टू इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस वन ठीक है चलो ये पहले बता दो फिर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं में में बहुत मिस्टेक होती है ठीक है जल्दी बाजी में हमको टू इंटू थ्री हाँ यहाँ पे टू इंटू माइनस वन कर लो ठीक है, ठीक है? चलो अब देखो जल्दबाजी में इसमें क्या मिस्टेक होती है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए जब भी आप इसको रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करते हो या कॉलम के करिस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करते हो ना तो एक क्या जल्दीबाजी में बहुत बार मिस्टेक होती है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए आपने वन इंटू वन इंटू थ्री टू इंटू वन किया फिर आपने जब सेकेंड वाले वन को उठाया ना तो हमेशा याद रखिए सेकेंड वाले वन के करिस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करने के बाद जो आप डिटर्मेंट निकाल रहे हो ना बीच में आपको हमेशा कौन सा साइन लगाना चाहिए बीच में हमेशा आपको का यहाँ पर लगाना चाहिए। तो आ जाएगा। चार के करेस्पॉन्डिंग करोगे तो प्लस चार आ जाएगा ठीक है बाकी चीजें आपको आती है सब कुछ पता रहता है बस ये एक छोटी सी बात आप जल्दबाजी में गलत मत करिएगा क्लियर है ये सभी को कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है है ना इसका एक शॉर्टकट भी हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे तो एक बार ये बताओ ये बात आगे से आप सभी लोग याद रखेंगे दिमाग में रहेगी ये बात ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ थ्री माइनस टू इसको मैं माइनस ही रहने देता हूँ सिक्स प्लस टू लिख देता हूँ इसको मैं ठीक है थोड़ा सा मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया चार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आठ प्लस चार एक बार ज़रा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट करके बताओगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं काउंट करके फटाफट फड़ बता दो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे हैं जब आपने एक थ्री क्रॉस थ्री के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया एक दो तीन चार पांच छ दिख रहा है आपको एक्सपेंशन करने के बाद ऐसे देखो ना एक टर्म यहां पे प्रेजेंट था देखो एक टर्म आपका यहां पर प्रेजेंट था एक टर्म यहां पर प्रेजेंट था एक टर्म यहां पर प्रेजेंट है एक टर्म यहां पर प्रेजेंट है एक टर्म आपका यहां पर प्रेजेंट है और एक टर्म यहां पर तो टोटल तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट आपके सिक्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहां पर दिखने चाहिए बोलिए तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा हमने सीखा कि एक टू क्रॉस टू के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें समझ में आ गया थ्री क्रॉस थ्री का भी एक्सपेंशन मॉडल हम लोगों ने सीख लिया हमने पाया जब हम टू क्रॉस टू को एक्सपेंड कर रहे थे तो जो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे वो दो आ रहे थे बट जो हमने थ्री क्रॉस थ्री को एक्सपेंड किया तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको सिक्स देखने को मिले यानी कि अगर मैं आपसे पूछू कि क्या इस सिक्स को मैं थ्री फैक्टोरियल लिख सकता हूं हाँ या नहीं बोलो फटाफट फड़ सभी लोग क्या सिक्स को थ्री फैक्टोरियल लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछू कि हमारे पास एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो तो नहीं पता बट उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं ये आप बता सकते हो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कमेंट करके तो ये हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है अगर हमारे पास एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के दौरान एक्सपैंड करने के दौरान उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फैक्टोरियल अब एक छोटी सी चीज आपसे छोटी सी चीज आपसे पूछू। पूछूंगा ध्यान से बताना ठीक है ध्यान से सोच समझ के बताना सपोज अगर यहां पर दो की जगह जीरो होता। अगर पर दो की जगह जीरो होता तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाता है ना फोर माइनस जीरो तो यहाँ पर इसको तो हम काउंट करते हैं, जीरो को थोड़ी ना काउंट करेंगे जीरो बताओ मुझे इसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जब हर एक इंडिविजुअल ये पूरा नॉन जीरो पूरा नॉन जीरो है ये पूरा नॉन जीरो ठीक है तो मैं अपने क्वेश्चन को वापस से रीफ्रेम करता हूं अपने क्वेश्चन को मैं वापस से रीफ्रेम करता हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज अगर हमारे पास एन क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक्सपैंड करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखो क्या यही लिखा हुआ यहां पे चेक करो चेक करो फटाफट बताओ और उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर दो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं गलत मत करना बोहनी अच्छी होनी चाहिए तभी शाम तक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा डन है अग्रीड एवरी वन फॉर एंड क्रॉस एंड डिटर्मेंट द नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन इज एन फैक्टोरियल मैक्सिमम पे थोड़ा फोकस करना मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम वर्ड नहीं भी यूज करता है तो भी हम एन फैक्टोरियल बताएंगे है ना मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करता तो भी एन फैक्टोरियल बता देना समझ गए कभी कभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती चलो एक क्वेश्चन करो इसका आंसर निकाल के बताओ एक अपने पास मैट्रिक्स है क्रॉस का ठीक है बोल रहा है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया डेल्टा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डेल्टा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डेल्टा अरे बोलो यार अब ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आ गया बताओ क्या होगा इसका आंसर परफेक्ट कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ जाएंगे तो आप बोलोगे सर यहां पर आ जाएंगे फाइव फैक्टोरियल मतलब कि एक सौ बीस क्लियर चला लोगे काम इतने से चल जाएगा चलिए अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हम लोगों ने टू क्रॉस टू का डिटर्मेंट कैलकुलेट करना सीख लिया थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट कैलकुलेट करना सीख लिया और वहां से कंक्लूजन भी अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया चलो अब अगला ये बोल रहा है कि सपोज आपको बहुत बार ऐसी मैट्रिसेस दिखेंगे ना जो डायगोनल मैट्रिसेस होंगी है ना बहुत बार ऐसी मैट्रिसेस दिखेंगी जो डायगोनल मैट्रिसेस होंगी ठीक है उनका जो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो देखो मैंने हेडिंग में ना डायगोनल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है एक्चुअल में डायगोनल डिटर्मिनेंट जैसा कोई वर्ड होता नहीं है ना डायगोनल वर्ड हमेशा मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट किया जाता है डायगोनल डिटर्मिनेंट का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट समझ गए ना डायगोनल डिटर्मिनट का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन ठीक है बोलो ठीक है चलो तो देखो जरा यहाँ पे ज़रा यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करो बोल रहा है डायगोनल डिटर्मिनेट तो डायगोनल डिटर्मिनेंट में सपोज हम एक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं इस मैट्रिक्स में ना सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिखेंगे ये अब इसके डेफिनेशन में बताता हूँ आपको वो हमेशा डेफिनेशन आज के बाद याद रहेगी ठीक है, है ना तो वो डेफिनेशन हमेशा आपको याद रहेगी बट पहले मेरी बात सुन लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है उसके बाद ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना

ऑल द अदर एलिमेंट शुड बी जीरो देखो यही चीजी यहाँ पे जल्दी से इस चीज को वेरीफाई करिए आप सभी लोग प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो नॉट बी ऑल जीरो वर्ड पर थोड़ा फोकस करिए इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए इट शुड नॉट बी ऑल जीरो सारे इकट्ठा जीरो नहीं होने चाहिए एंड अदर एलिमेंट्स शुड बी ऑल जीरो इसके अलावा जितने भी बच्चे वो सारे जीरो हो जाए तो ये सब लाइन्स ये सब स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा धीरे धीरे करके ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ठीक है क्योंकि एग्जाम में कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं प्रॉपरली तो हमें इंटेलिजेंट एनफ होना चाहिए कि उन स्टेटमेंट्स को हम समझ पाए ठीक है चलो अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट हमें दिखता है और हमसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू बताइए तो इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो ये मिल जाएगा आप लोगों को डेल्टा या फिर डिटर मिनट चलेगा हाँ एक एलिमेंट जीरो भी हो सकता है जैसे ए भी जीरो हो सकता है बी बीबी जीरो हो सकता है इसको नॉन जीरो रखो समझे या फिर ए को जीरो कर दो इन दोनों को नॉन जीरो रखो तो प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहा सारे इकट्ठा जीरो मत कर देना अदरवाइज वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी कम से कम एक को नॉन जीरो रखना बाकी सारे जीरो होने चाहिए डन बोलो भाई जल्दी-जल्दी बोलो यार इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ये तो बहुत आसान परफेक्ट ठीक है तो आपके दिमाग में चल रहा है ना आप क्या सीख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीख रहे मॉडल आपने का एक मॉडल सीख, सीख लिया अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि सपोज अगर कोई डायगोनल डिटर्मिनेंट आ जाता है तो उसको कैसे डील करोगे चलो इसके अलावा होता है अपर ट्रैंगुलर और लोअर ट्रैंगुलर डिटर्मिनेंट देखिए मैं फिर से बताता हूं यार ऐसा कोई ऐसा कोई ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ठीक है चलो बताओ तब तक ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है इसका मतलब बताओ अगर सपोज मैं लिखता हूं अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट तो ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है बहुत ही शानदार चलिए तो अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट असल में क्या होता है कि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका कोई डिटरमिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट हम निकालना चाहते हैं आप देखो इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट फिक्स कर लो ठीक है प्रिंसिपल डायगोनल देखो हमने पकड़ लिया ए बी सी अब ये बोल रहा है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है ना उसके ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए ये पक्की बात सॉरी अपर ट्राइंगर की आप बात करो ना तो नीचे वाले इसके ना सारे जीरो होने चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं बोल रहा है अपर ट्राइंगर को आप पकड़ लो इसके नीचे वाले सारे स्ट्रिक्टली जीरो होने चाहिए इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी ऑल जीरो इस स्टेटमेंट को आई थिंक अब इस वाले केस में आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगा है ना अब आपको शुड नॉट बी ऑल जीरो का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ये बोल रहा है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया आपने डायगोनल वाले को पकड़ लिया ठीक है डायगोनल वाले को कोई जाने नहीं दे रहे तो डायगोनल वाले को पकड़ के रखो नीचे वाला आपका स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए उसके बाद जितने भी बच्चे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल ऑल्सो दे शुड नॉट बी ऑल जीरो यानी प्रिंसिपल डायगोनल ए बी सी जी ई एफ ये जितने भी दिख रहे हैं सारे

यहां से देखो क्या बोल रहा है एलिमेंट्स अब प्रिंसिपल डायगोनल इंक्लूडिंग डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो ठीक है तो शुड नॉट बी ऑल जीरो से मुझे लगता है अब तक आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए यस नो डन ठीक है तो सिमिलर वे में बताइए अगर कभी भी आपको अपर ट्रायंगुलर

लोअर की बात कर रहा है तो ऊपर वालों को तो भाई जीरो करना ही पड़ेगा और नीचे वालों की मैं बात कर लेता हूँ ये लीजिए इसको मैंने लिख दिया जी ई एफ ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हंड्रेड परसेंट जीरो होने चाहिए बाकी जितने एलिमेंट्स बचे दे शुड नॉट बी ऑल जीरो तो इस बात को अपने दिमाग में एक बार क्विकली रिवॉल्व करो दिमाग में एक बार इसको बिठाने की कोशिश करो अगर दिमाग में बात बैठ जाती है तो फिर एल टी डी की भी डेफिनेशन आपको क्लियर है एंड मजे की बात यहां पर यह भी है कि अगर आप इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो आंसर अभी भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा यानी कि अगर आपके पास कोई डायगोनल डिटर्मिनेंट है कोई अपर ट्रैंगर डिटर्मिनेंट है या कोई लोअर ट्रांगुलर डिटर्मिनेंट है इन सारे ही केसेस में आप सभी लोगों को जो डिटर्मिनेंट मिलेगा इट शुड बी इक्वल टू ए बी सी ठीक हाँ, है ए बी सी एबीसीबी जीरो हो सकता है ठीक है बस ये है कि इसके ऊपर वाले सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए ओके सॉरी इसके नीचे वाले सारे इकट्ठे जीरो जीरो नहीं होने चाहिए ए बी सी हो सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एक एलिमेंट जीरो हुआ तो आंसर डिटरमेंट का जीरो हो जाएगा ठीक है आगे चल के आइगन वैल्यूज वगैरह में भी ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करोगे क्लियर है ओके okay, एवरीवन डायगोनल में मैंने बोला था शुड नॉट बी ऑल जीरो है ना डायगोनल डिटरमेंट के, के केस में तीनों इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए बस ये तो एक बार मैं फिर से डेफिनेशन आपको बता देता हूँ डायगोनल डिटर्मेंट में डायगोनल को पकड़ लो वो सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए अपर ट्रैगुलर के केस में डायगोनल को पकड़ लो नीचे वाले सारे जीरो कर दो बाकी जितने बच्चे वो इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए लोअर ट्रैगुलर के केस में प्रिंसिपल डायगोनल को आप पकड़ लो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए नीचे वाले इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए बस ये बोल रहा है सिंपल सी चीज़ है ना तो बस इसको एक बार आप फील कर लो कि हाँ ये क्या कहना चाहता है ओके ठीक है अब आते हैं पांचवें पे फिफ्थ पे फिफ्थ में बोल रहा है कि अगर हमें कभी किसी थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट है तो क्या वो शॉर्टकट हमें सीखना चाहिए मैं बोलूंगा बिल्कुल सीखना चाहिए क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे रैंक की कैलकुलेशन के दौरान सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान आइगन वैल्यूज की कैलकुलेशन के दौरान आपको थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिसेस के डिटर्मेंट की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो हम देखो सिस्टमेटिकली सीखते गए टू क्रॉस टू सीखा

ये दिख रहा हूँ आपका आपको थ्री वन वन ठीक है ये थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स है बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताइए इसका डिटर्मिनंट कितना आ जाएगा ठीक है ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है डिटर्मेंट इसका कितना आएगा तो देखिए जब भी आप थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का

इनको आप ऐसा ही लिख लीजिए लिख लीजिए उसके बाद जो पहला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दो तो देखो फर्स्ट कॉलम आपको यहां पर क्या दिख रहा है Zero, one, कॉलम आपको क्या दिख रहा है वन टू वन चलेगा बोलो बोलो हाँ या ना फटाफट फड़ बोलते जाओ करेक्ट यस yes. तो मैंने क्या किया इसके एलिमेंट को एज इट इज जो कॉलम था उसको यहां चिपका दिया सेकेंड वाले कॉलम को यहां पे चिपका दिया अब आप मुझे बताओगे कैलकुलेट आप क्या करना चाहते हो डिटर्मिनेंट है ना डिटर्मिनेंट का जो सबसे पहला वर्ड होता है वो क्या पहला लेटर होता है वो क्या होता है डी डी फॉर मैं आप लोगों को बोलूंगा याद रखो डाउन ठीक है यानी इस पूरे के पूरे जो यहां पर एक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इसमें सबसे पहला एलिमेंट पकड़ो और नीचे की तरफ चले जाओ ये देखो फर्स्ट एलिमेंट हमने पकड़ा और हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं डायगोनली देखो ऐसे के जरा मुझे बता सकते हो तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई तो आप बोलोगे सर ये तो जीरो आ गया चलेगा आ गया जीरो एब्सोल्यूटली चलो अब इसके आगे बढ़ो इस वाले पे डी डाउन ये देखो नीचे की तरफ आप गए ठीक पहला एलिमेंट पकड़ना नीचे की तरफ जाना प्रोडक्ट बताइए कितना तीन इंटू तीन इंटू तीन कितना मिला यहां से आपको 9 है ना 1 into 3 into 3. चलो अगला एलिमेंट पकड़ो नीचे की तरफ जाओ प्रोडक्ट बताओ क्या मिला टू इंटू वन इंटू प्लस टू ठीक है तो सबसे पहला एलिमेंट पकड़ के आप नीचे की तरफ तीन बार चले गए इन तीनों को आपने आपस में सम कर दिया पहले यहां तक बताएंगे कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है इसमें कोई डाउट ही नहीं है पहला एलिमेंट आप पकड़िए डायगोनली चले जाओ इसके, पास, इसके, पास, इसके पास। मुझे लगता है इस सबसे नीचे एलिमेंट यहां पे तीन दिख रहा है इसी तीन के साथ ये सारा का सारा काम मिरर इमेज में करना स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल उल्टी तरीके से काम करते हैं ये देखो हमने तीन को पिक कर लिया ठीक है ये देखिए बिल्कुल उल्टा यही काम अभी आपको कर देना है तीन को पिक किया ये देखिए डायगोनली गए यहां पे बताओ प्रोडक्ट बताओ कितना दिख रहा है आपको तीन इंटू दो इंटू दो तीन दूना छह बारह तो बीच में माइनस का साइन लगाना है और यहां पे मैंने लिख दिया बारह करेक्ट चलो अब अगला वन पकड़ो मल्टीप्लाई करो बताओ यहां पर आपको क्या दिखेगा वन इंटू थ्री इंटू जीरो आप बोलोगे सर जीरो परफेक्ट अब बताओ लास्ट वाले में ये आपको क्या दिखेगा वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत जो काम आपने ऊपर में सबसे पहला एलिमेंट पकड़ के किया वही काम आपको सबसे नीचे वाले एलिमेंट को पकड़ के करना है समझ गए इसको पकड़ के नीचे चले गए डाउन 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 यही काम मिरर इमेज में कर दो तीन के साथ थ्री इंटू टू इंटू टू वन इंटू थ्री इंटू जीरो वन इंटू वन इंटू क्लियर जरा बताओ क्या आया आंसर ग्यारह माइनस आंसर माइनस दो सर क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या डिटर्मेंट तो ऐसा कुछ होता है दिखने में ऐसा टाइप का तो क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है डिटर्मेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है ऐसा थोड़ी ये मॉड है थोड़ी लिखा हुआ है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये तो मॉड लगा हुआ है ना तो अगर मॉड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव ऐसे ये मॉड नहीं है भाई ये डिटर्मिनट का सिंबल है ठीक है डिटर्मेंट की वैल्यू माइनस दो के बराबर आनी चाहिए ऐसे ही अभी टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं दो या तीन दिन तक मैं सो नहीं पाया बड़ी हैरानी हुई मुझे समझे दो तीन दिनों तक मुझे नींद नहीं आई मतलब बार बार आज भी जब जब उसके क्वेश्चन को मैं सोचता हूँ तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना घूमने लगता है उसका क्वेश्चन कि यार ये क्या ही क्वेश्चन उसने पूछा था बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन खैर खैर ये आपको समझ आया अच्छी तरीके से ठीक है तो ये मेथड आप कब लगाते हो दिस शॉर्टकट इज वैलिड ओनली शॉर्ट कट इज वैलिड ओनली फॉर थ्री क्रॉस थ्री और कहीं मत लगा देना भाई ठीक है थ्री क्रॉस थ्री जानना चाहते हो उसने क्या पूछा मुझसे उस बच्चे ने क्वेश्चन उसका जानना चाहते हो एक शर्त पे बताऊंगा एक शर्त पे बताऊंगा अगर आपने इसका आंसर सही से निकाल दिया तो ठीक है तो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ टाइमर देता हूँ अगर एक भी किसी ने इसका आंसर गलत दिया तो भाई नहीं बताऊंगा फिर उसने क्या पूछा था ठीक है और अगर सबने सही से दे दिया तो खुशी का मौका है तो उस पर आप भी सुन लीजिए आपके भी रातों की नींद हो सकता उड़ जाए उससे वन टू टू ठीक है टू वन टू 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 वन निकालो गलत मत करना गलत नहीं करेंगे और सही से आंसर निकालेंगे टाइमर भी चाहिए चलो ये लो सिक्सटी सेकेंड्स का टाइमर आपके सामने ये रहा सिक्सटी सेकेंड्स का टाइमर है पक्का पांच साठ सेकंड का टाइम है भाई अभी भी अगर किसी को लग रहा है आंसर गलत है तो वो सुधार सकता है ठीक है किसी को अगर अभी भी लग रहा है कि सर एक मौका और दीजिए गलती से गलत आंसर बता दिया तो भाई सुधार की गुंजाइश अभी है आप सुधार सकते हो पाँच पांच पांच माइनस आठ बहुत ही बढ़िया चार भी कुछ लोगों का आया पाँच हज़ार पाँच सौ पचपन पचपन लाख किसी का आ गया ज़ीरो 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 कोर्स की फीस बता दी किसी ने चलो खैर साठ सेकंड्स हो गए अब मैं कैलकुलेट करके आंसर तो मुझे भी नहीं पता मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा था सॉल्व करो वन टू 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 वन टू 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 वन ठीक है पहला दूसरा कॉलम कॉपी पेस्ट वन टू टू ये हो गया टू वन टू ठीक है चलो सबसे पहला एलिमेंट हमने पकड़ा और कहाँ जाना है नीचे ये लो, नीचे की तरफ गए मल्टीप्लिकेशन बताइए वन इंटू वन इंटू वन डेल्टा यहाँ से हमको मिला सबसे पहला वाला वन ठीक है फिर अगले एलिमेंट से नीचे की तरफ हम लोग गए दो दुनी चार दुनी आठ यहाँ पर लिख दिया आठ देखो इस वाले एलिमेंट से भी नीचे जाना है ये यहां पर भी दो दूनी चार दुनी आठ यहां पर भी हमने लिख दिया आठ ठीक है पहले तो बताओ ये कैलकुलेशन कर लो जिनसे नहीं हुआ था बाई द वे समहाउ फॉर एनी रीजनस वो बताओ क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है या जिन लोगों से हो भी गया वो भी लोग बताओ हाँ सर यही कैलकुलेशन हम लोगों ने करके रखे हुए थे ऑलरेडी जो आप बता रहे हो ठीक है भाई साहब आगे बढ़े परफेक्ट चलो अब देखो अब देखो यहां पे अब आप क्या करोगे इसको पकड़ो नीचे वाले को ठीक है बिल्कुल वही काम मिरर इमेज में करना स्टार्ट कर दो इसका चेंज कर लेते हैं, देखो दो दुना चार दो दुनी चार, इसका बताओ टू इंटू टू फोर इसका बताओ फोर, तो बार फोर आ गया यहाँ पे? ठीक चार, 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 है? डेल्टा यहां पर आ गया पांच ठीक है अब क्योंकि आप लोगों ने सही आंसर दिया तो आप लोगों को हक है जानने का कि उस बच्चे ने क्या पूछा था ठीक है आपको क्या लगता है कि पिछले 20-25 दिनों में मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी क्या आई होगी सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है पहले आप यह बता दो फिर मैं आपको बता दू उसने क्या पूछा था क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है आपको क्या लगता है कि पिछले 20 से 25 दिनों में मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी किस चीज की आई होगी जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है मैथ्स कब पढ़ाओगे है ना जाहिर सी बात है क्वेश्चन यही आ रहा था कि सर मैथ्स कब पढ़ाओगे कहाँ पढ़ाओगे कैसे पढ़ोगे ऑब्वियसली मैथ्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी ठीक है तबियत तबियत तो बात की बात है कि अरे सर तबियत तबियत तो सर ठीक है पहले ये बताओ मैथ्स कब पढ़ाओगे जब पता चल गया अच्छा मैथ्स आने वाला फिर तबीयत वाली बात है अरे सर गेट वेल सून ये वो पहले तो ये होता कि पहले बताओ तो पढ़ाना क्या है उसके बाद बात की बात करेंगे ठीक है तो क्या हुआ तो क्या हुआ कि मैथ्स का तो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया ठीक है एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया टेलीग्राम पे सर मुझे विशाल सोनी सर से मैथ्स पढ़ना है और नहीं उसके था सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब से पढ़ाएंगे और उसके आगे ऐसे गुस्से वाले जो बिल्कुल लाल वाले इमोजीज होते हैं ना बिल्कुल गुस्से वाले लाल वाले दो इमोजीज उसके बगल में बने हुए थे तो मैंने उसके नीचे मैसेज किया मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा दूंगा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा टेंशन मत लो फिर क्या हुआ चार पाँच दिन बाद फिर उसको होश आया होगा उस बच्चे को फिर उसने मैसेज किया सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब से पढ़ाएंगे इस बार इसकी संख्या बढ़ के चार हो चुकी थी ठीक है ये जो गुस्से वाले मुझे थे चार हो गए थे ये बिल्कुल खतरनाक और भी ज़्यादा लाल ठीक है फिर मैंने मैसेज किया उसको कि बेटा मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो जस्ट अलाउ मी सम टाइम ठीक है फिर उसको सात आठ दिन बाद होश आया कि अच्छा कुछ कुछ चल रहा था मैथ्स वैथ्स रिलेटेड कहीं देखा होगा उसने कुछ कुछ चल रहा है फिर उसने पूछा सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे बाइनरी में चल रहा था ठीक है इसको उसने आठ कर दिया तीन तीन छः और एक आठ कर दिया फिर मैंने उसको मैसेज किया मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो दो चार पाँच दिनों का मैं करवा दूंगा मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा टाइम लगता है इतनी जल्दी नहीं हो पाती तो गुस्से में बोल रहा है कि सर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि विशाल सोनी सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे और आप बार बार क्यों रिप्लाई कर रहे हो कि मैं पढ़ा दूंगा तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहा है तो मैंने पुछ से पूछा कि हु डू यू थिंक एम आई तो उसने बोलता है कि सर आप तो नेगी सर हो ना मैंने कहा कि हैव यू सीन माई प्रोफाइल तो बोलता है हाँ सर प्रोफाइल देखिए आप तो नेगी सर हो ना हम तो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं विशाल सर से और विशाल सर उधर एफ एम पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी एम ई पी आई एक्स आई वाले चैनल पर मैंने कहा यार ये कैसा आदमी है यार ये क्या करवाना चाहता है ठीक है मैंने उससे पूछा कि भाई कोई सस्ते नशे कुछ गाने वाने ज़्यादा सुन लिए हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है कह रहे नहीं सर वो सब तो बचपन में करते थे तो थोड़े बड़े हो गए तो मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि विशाल सोनी सर कब पढ़ाएंगे और बोल रहा है कि आप तो नेगी सर हो और कह करगी और विशाल सर तो उधर एफ पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी पी वाली चैनल पर तो भाई साहब उसका इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैंने कहा कि अब इसको कौन जवाब दे क्या समझाया जा सकता है उसको और सपोज ठीक है किसी को कोई बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर कब से स्टार्ट होगा मैंने बोल दिया कि हाँ बेटा थोड़ा टाइम दे दो प्लान करते हैं कर लेंगे चीज़ें उसके बाद बच्चे समझ जाते थे हाँ सर ने बोला है तो करवा देंगे ये अलग ही प्राणी लगा हुआ है मैथ्स का उसने ओरिएंटेशन सेशन लिया उसमें भी आके कमेंट कर रहा है कि मैथ्स कब से स्टार्ट होगा अरे भाई ओरिएंटेशन सेशन हो गया देख लो कब से स्टार्ट होगा खैर क्या कर सकते हो अब बताओ ये क्वेश्चन था या नहीं होश उड़ाने वाला बताइए जरा क्या ये क्वेश्चन होश उड़ाने वाला क्वेश्चन था बिल्कुल था भाई ठीक है आइए एक क्वेश्चन और करोगे इसका आंसर निकालोगे लास्ट वाले का पता नहीं यार जो भी उसने किया था मतलब वो मुझे थोड़ा नॉर्मल इंसान तो नहीं लगा यार ठीक है चलो लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट इसका भी आंसर निकाल के बताओ भाई ओके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर चार बड़ी जल्दी आंसर निकाल हो यार सब लोग निकाल निकाल पा रहे हो ना ऐसा तो नहीं पुराने कोर्सेस किसी ने कर रखे हो वो आके आंसर बता रहे सबका आना चाहिए भाई आंसर जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसके लिए भी आंसर देना उतना इंपॉर्टेंट मैं वेट कर लूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते थर्ड क्वेश्चन इसके भी एलिमेंट्स लिखते हैं और इसको तो खैर आप लोगों ने निपटाई दिया होगा तो अब अब कर लोगे ना आगे से कभी भी कोई थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स दिखेगी तो उसका डिटर्मिट बहुत क्विकली मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ठीक है समझ गए ठीक uh, है तो मैं काफी क्विकली आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा फॉर थ्री क्रॉस थ्री बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर फोर क्रॉस फोर का कैसे निकालेंगे बताता हूं भाई ठीक है थोड़ा टाइम दो वन बाय वन चलते हैं ठीक है फोर क्रॉस फोर का भी बताऊंगा कैसे करना है क्या क्या लॉजिक्स लगा सकते हो और का क्या, क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो सब बताऊंगा उसमें ठीक है टेंशन मत लो तो अब क्या करते हैं ये लो गोला नीचे बताओ कितना आ रहा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा वन इंटू वन इंटू टू यानी कि टू प्लस नेक्स्ट वाले का देख के बताओ इसका क्या होगा टू इंटू फोर यानी कि एट नेक्स्ट वाले का बताइए इसका आपको क्या देखने को मिलेगा फाइव इंटू थ्री इंटू वन विच मीन्स प्लस का फिफ्टीन ठीक है माइनस का साइन लगाते हैं इसके अंदर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर अगर आप नोटिस करो यार तो अब ये नीचे से यही चीज़ मिरर इमेज के कंस के फॉर्म में हम लोग कर देते हैं पाँच ये देख रहे हो ना आप लोग चार और ये तो फाइव प्लस फोर प्लस थ्री मतलब कि बारह तो पाँच प्लस दो प्लस बारह तो डेल्टा यहाँ से आपको मिल जाएगा पंद्रह आठ तेईस दो पच्चीस माइनस पांच चार तीन छः छोना बारह ठीक तो है ना सत्रह दो उन्नीस तेईस दो पच्चीस सिक्स आ रहा क्या फोर आ रहा है एलिमेंट तो ठीक लिखा ना मैंने वन टू फाइव थ्री वन फोर वन वन टू वन थ्री वन टू वन वन ठीक तो है सब कुछ दो आठ पंद्रह पांच ये दो की जगह पे चार कर लो ठीक है ये बीच में दो बैठ गया था <laughs> तो ये उन्नीस की जगह पे इक्कीस हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा चार पक्का हाँ दो कर लो इसको यहाँ पे यहाँ पे चार कर लो मैंने दो लिख दिया था खैर आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेकिंग सेंस फॉर एवरी वन डिटरमिनट कैलकुलेट करने में मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आज की क्लास का एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है uh, एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जल्दी से उसको क्विकली मैं करवा देता हूँ सो दैट आप की जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो आप आसानी से उसको अटेंड कर पाएँ है ना हाँ बिल्कुल चंपू क्वेश्चन था ठीक है नेगी सर के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे झमाझम जम और चंपू चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको लास्ट मॉडल और बता देता हूं इसके बाद वाले मॉडल्स बाकी फिर हम लोग कल करेंगे ठीक है ना कर, कर ले भाई देखो क्या क्या कर लिया टू क्रॉस टू सीख लिया क्रॉस का कन्वेंशनल मेथड सीख लिया डायगोनल डिटर्मिनेट अपर ट्रैंगर लोअर ट्रांगुलर थ्री क्रॉसरी का शॉर्टकट ठीक है इतना हम लोगों ने कर लिया ठीक है एक लास्ट और करवाता हूं बहुत छोटा सा है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आ... चलो ठीक है कल ही कल ही करते हैं इसको ठीक है इसको कल करते हैं बहुत सारे बच्चों की क्लासेज आई थिंक सेवन पी से तो कल करते हैं और आज हम लोग क्या करेंगे एट पी एम आप लोग आ जाना जो लोग लाइव आ सकते हैं लाइव आ जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है स्पेशल क्लास का अदरवाइज बाकी लोग बाद में डी देख लेना ठीक है तो डी के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन आज मैं करवाने वाला हूँ कल करवा देते हैं कल एक्चुअली हम लोग पाँच बजे ही स्टार्ट कर लेंगे तो कल हम ज़्यादा टॉपिक कवर अप कर पाएंगे है ना ठीक है क्या पब्लिक रहेगा ठीक है चलो इसके साथ साथ इसके साथ साथ आ, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए कल एक सरप्राइज भी आने वाला है ठीक है कल एक सरप्राइज भी आने वाला है कल बताऊंगा मगर वो ठीक है तो जाहिर सी बात है कल आएगा तो कल ही बताऊंगा